यशोदा कौन है पता है? अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी। आप पारसी लोग जो हैं हमारे देश की शान हैं। मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ? आप पारसी नहीं है? आप दादा भाई नौरो जी के बेटे, मतलब ये रोड आपके बाप की नहीं है? मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है? तो फिर बिना सीट बेल्ट पाए फोन ते गल कर दे, शर्म नहीं आंदी तानू? हेलो, पैसे पार देना पाजी। फर्ज करो ए रोड मेरे बाप दी होंदी फिर ते मैं उन्नू भी फाड़ लैंदा। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप के नहीं है। शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। आज हम बात करेंगे यशोदा फिल्म की फुल हिंदी में स्टोरी एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड स्टार कास्ट के बारे में, और ये भी जानेंगे कि ये मूवी हिट हुई थी या फ्लॉप, और इस फिल्म को बनाने का ख्याल हरि हरीश जी को कैसे आया, और इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने कैसे तैयार की। इन्हीं सब विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यशोदा एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो हरि हरीश द्वारा लिखित और निर्देशित है। इसमें उन्नी मुकुंदन, वरलक्ष्मी, शरद कुमार और मुरली शर्मा के साथ समंथा रुद्र प्रभु मुख्य भूमिका में हैं। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म के निर्देशक हैं हरि हरीश जी और इसे लिखा है हरि हरीश ने, और इस फिल्म को उत्पादित किया है शिवलिंका कृष्णा प्रसाद ने, और अभिनीत किया है समंथा रुद्र प्रभु और उन्नी मुकुंदन, वरलक्ष्मी, मुरली शर्मा और राव रमेश ने, और इस फिल्म का छायांकन किया है यशु कुमार ने, और इसे संपादित किया है मर्तड के वेंकटेश, और इस फिल्म में संगीत दिया है मणि शर्मा ने, और उत्पादन कंपनी है श्रीदेवी फिल्म्स के तहत इस फिल्म को वितरित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यह मूवी रिलीज हुई थी 11 नवंबर 2022 को देश भारत भाषा तेलुगु में। अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 30 से 40 करोड़ रुपये का। अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 32 से 50 करोड़ रुपये का। तो इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में समाप्त हुई थी। फिल्म का स्कोर मणि शर्मा द्वारा रचित है, और जबकि सिनेमेटोग्राफी और संपादन क्रमशः एम सुकुमार और मतड के वेंकटेश द्वारा संभाला गया है। फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी और यशोदा को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षाएँ मिली हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस फिल्म की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो जोमेटो में काम करने वाली यशोदा सरोगेट माँ बन जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी बहन की सर्जरी के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और उसे डॉक्टर मधुबाला के स्वामित्व वाले आधुनिक सरोगी केंद्र ईवा में ले जाया जाता है। यशोदा कुछ सरोगेट माताओं से दोस्ती करती है और उनके साथ समय बिताती है। उन सभी को पता चलेगा कि उनमें से प्रत्येक गरीब है और उन्हें पैसे की ज़रूरत है। इस बीच स्थानीय पुलिस बिजनेस टाइकून शिवा रेड्डी और उनकी प्रेमिका आरुषी की दुर्घटना की जांच करती हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि यह एक पूर्व योजनाबद्ध हत्या थी, और पुलिस ने जांच का नेतृत्व करने के लिए वासुदेव आईपीएस को नियुक्त किया था, और उसे पता चला है कि आरुषी एक मॉडल थी और वो उसके ईमेल, मेल और टेक्स्ट संदेशों की जांच करती है, और उसे पता चलता है कि आरुषी को उसके दोस्त ने एक विशिष्ट कॉस्मेटिक ब्रांड का प्रचार करने की सलाह दी थी, क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन होते हैं जो वैज्ञानिकों के लिए आहत होते हैं, और वासुदेव की उनकी टीम आरुषी के दोस्त से मिलने जाती है, लेकिन पता चलता है कि दोनों एक दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। वासुदेव अपने घर से एक केमिस्टिक नमूना प्राप्त करती हैं, और एक मृत हॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया की मौत के साथ एक संबंध पाती हैं, जिसकी मौत नशीला जूस पीने से हुई थी। जब वो कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री गिरधर के पास पेटेंट है, और अज्ञात
लोगों के हमले के बाद वासुदेव को पता चला है कि 6 महीने में 122 मॉडल भारत आएंगे। उसे पता चला है कि एक मॉडल एलेना पहले ही आ चुकी है। वासुदेव अपनी टीम और पुलिस आयुक्त बलराम के साथ जंगल तक उसका पीछा करती हैं, लेकिन स्थानीय आदिवासियों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। यशोदा को युवा पर संदेह हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी सहेलियां काजल और लीला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने और सर्जरी के बाद लापता हो गई थी, और उसे यह जानकर झटका लगा कि युवा शहर में नहीं लेकिन वास्तव में उन्हें लाइव प्रोजेक्टर का उपयोग करके सरोगेट माताओं को दिखाया गया था। तो बाद में यशोदा जोन 2 में घुस जाती है, और जहां वो साथी सरोगेट जेनी से लड़ती है जो उसके गर्भवती होने का नाटक कर रही है, और युवा की सदस्य है शंकाया। वो यशोदा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे मारने में सफल हो जाती है। इसके बाद यशोदा को संपत्ति के कमरे में मृत बच्चों और सरोगेट माताओं से भरे कई बक्से मिले, जिसमें उसे काजल और लीला के शव और लीला के बच्चे के शव भी प्राप्त हुए। तो फिर यशोदा को मधुबाला की मकान के तहत सुरक्षा गार्ड द्वारा पकड़ लिया जाता है। जब सुरक्षा गार्ड उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वो उससे लड़ती है और उसे मार भी देती है। फिर वो युवा के बारे में और अधिक जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बैच का उपयोग करके मधुबाला के केबिन में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन मधुबाला द्वारा पकड़ ली जाती है। तो मधुबाला ने खुलासा किया कि वो एक बीमार से पीड़ित थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी सुंदरता खो गई थी और उम्र बढ़ने लगी थी। लेकिन गौतम ने एक दवा विकसित की और उस दवा को उसकी मदद की, जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई। हालांकि यह दवा केवल एक स्थायी समाधान है, जिसका प्रभाव केवल 6 महीने तक रहता है। गिरधर जो मधुबाला का पति है, उसे अपने शोध के लिए धन देकर एक नई दवा का आविष्कार करने के लिए कहा जाता है। वर्तमान में मधुबाला और गौतम अपने निवेशकों के साथ एक बैठक करते हैं, जबकि यशोदा को बैठक का लाइव फुटेज दिखाते हैं, जिसे एक अलग कमरे में बंदी बनाकर रखा गया है। तो भूड में प्लाज्मा और गुप्त घटक हैं, जिसका उपयोग दवा के आविष्कार के लिए किया जाता है, और वे गरीब महिलाओं को पैसे देकर सरोगेट माँ बनने के लिए नियुक्त करते हैं। उन्हें गर्भवती करने वाली नकली प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने और C-सेक्शन करने के बाद भ्रूण को हटा देते हैं, महिला को चुपचाप मार देते हैं और प्लाज्मा पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आखिरकार उन्होंने दवा बनाई और इसे अमीर महिलाओं को बेच दिया, जिनमें ज़्यादातर मॉडल CEO और अभिनेत्रियां थीं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि ओलिविया की मौत ड्रग इंटरनेशनल के कारण हुई थी। उन्होंने आयुषि और शिवा रेड्डी को दुर्घटना में मार डाला, क्योंकि उन्हें पता चला है कि कैमिस्टिक ब्रांड में भी वही दवा है और उन्होंने इसे लीक करने की धमकी दी थी। जंगल में वासुदेव और उनकी टीम को पता चलता है कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिला हुआ है। वासुदेव और उनकी टीम को मारने के लिए एक मान में लाया जाता है। युवा में यशोदा को पता चलता है कि सुविधा एक जंगल में स्थित है और आपातकालीन विकास के माध्यम से भागने का प्रबंध करती है, लेकिन गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है, जिसने वासुदेव और उसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। हालांकि गौतम को यशोदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया है, और ये पता चला है कि यशोदा वास्तव में एक कुशल IPS प्रशिक्षु है जो युवा में गुप्तचर है। अकादमी टापर होने के बावजूद उन्हें पुलिस बल में शामिल होने के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक दिन यशोदा को अपनी बहन वृंदा के लापता होने के बारे में पता चलता है, और उसे पता चलता है कि वो उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए सरोगेट माँ बन गई है, और उसे युवा के पास लाया जाता है। उसे ढूंढने के लिए यशोदा एक सरोगेट माँ बन गई है और शुरू से ही सब कुछ योजना बनाई है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ यशोदा गुंडों और गौतम को हरा देती है, लेकिन उसके पेट में चोट लग जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो जाती है। इस बीच वासुदेव और उनकी टीम ने आदिवासियों को हरा दिया और बलराम को मार डाला। यशोदा अपने साथी सरोगेट्स से मिलती है और वृंदा के बारे में पूछती है, लेकिन उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती।
तो मधुबाला हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे रोकने में सफल हो जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वह गर्भवती थी, लेकिन अपनी सुंदरता और शोध का निखारने और विकसित करने के लिए उन्होंने गर्भपात कराकर अपने भ्रूण की बलि दे दी। मधुबाला ने असली चेहरे और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकर महिलाएं क्रोधित हो गईं और उसे चट्टान से धक्का दे दिया, उससे इसी कारण उसकी मौत हो गई। गौतम भागने की कोशिश करता है, लेकिन वासुदेव और उसकी टीम द्वारा पकड़ लिया जाता है। यशोदा को वृंदा मिलती है जो प्रसव पीड़ा में है। महिलाएं वृंदा की बच्ची को जन्म देने में यशोदा की सहायता करती हैं। बाद में गिरधर की भी घोटाले में संलिप्तता उजागर हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है। तो उनके बारे में, तो यशोदा के रूप में समंता रुद्र प्रभु हैं और डॉक्टर गौतम के रूप में उन्नी मुकुंदन है और वरलक्ष्मी शरद कुमार बाला के रूप में है। राव रमेश केंद्रीय मंत्री गिरधर के रूप में है और पुलिस कमिश्नर बलराम के रूप में मुरली शर्मा हैं और वासुदेव आईपीएस के रूप में संपत राज हैं और राजीव कुमार अनेजा विदेश मंत्री बने हुए हैं। शत्रु पुलिस जांच अधिकारी ऋषि आईपीएस के रूप में और केयर टेकर सुधम्मा के रूप में मधुरमा हैं और दिव्या श्रीपदा लीला के रूप में हैं। तेजू के रूप में कलिका गणेश हैं और काजल के रूप में प्रियंका शर्मा हैं। वृंदा के रूप में प्रीति अरसानी हैं। आइए जानते हैं इस फिल्म के विकास के बारे में। तो अभिनेत्री शमंता ने अक्टूबर 2021 में एक तेलुगु तमिल द्विभाषी फिल्म साइन की, जिसका निर्देशन श्रीदेवी मूवीज के प्रोडक्शन के तहत हरिशंकर और हरीश नारायण की जोड़ी ने किया था, जिसे दिसंबर 2021 में फिल्म का शीर्षक यशोदा घोषित किया गया था। कार्यकारी निर्माता सेंथिल के साथ चर्चा के बाद फिल्म केवल तेलुगु में बनाई गई थी। तो क्रमशः एम सुकुमार और मातरण के वेटेंगसर और छायांकन और संपादन के साथ मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई। 100 दिनों की शूटिंग के बाद एक गाने को छोड़कर फिल्मांकन जुलाई 2022 तक पूरा हो गया था। सीजीआई कार्य और पोस्ट प्रोडक्शन कार्य बाद में शुरू हुआ था। इस फिल्म में कुल एक ही गाना है जिसे गाया है सारा संगीत मणि शर्मा द्वारा रचित है। नंबर एक गोद भराई, इसे गाया है रामजुगेश शास्त्री ने और साहिथी चगंती ने। तो फ्रेंड्स, यशोदा शुरू में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के अवसर पर 12 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी। फिल्मांकन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसे 17 अक्टूबर 2022 को नई रिलीज तारीख 11 नवंबर 2022 को घोषित की गई थी, जहां फिल्म तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के अलावा तेलुगु में भी रिलीज होगी। तो फिल्म में रिलीज पूर्व 55 करोड़ का व्यवसाय किया है, जिसमें नाटकीय और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार शामिल थे, जो क्रमशः 11.50 करोड़ और 2 करोड़ से लगाकर 20 करोड़ की लागत पर बेचे गए थे। तो फिल्म का प्रीमियम 9 दिसंबर 2022 को तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ तेलुगु में अमेजन प्राइम वीडियो पर किया गया था। तेलुगु संस्करण का प्रीमियम 5 फरवरी 2023 को ई टीवी पर टेलीविजन पर किया गया था। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस फिल्म का स्वागत समारोह कैसा रहा। तो यशोदा को आलोचकों से और दर्शकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। द टाइम ऑफ इंडिया की निश्ता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा है कि यदि आप सामान्य मशाला या प्रेम कहानियों से कुछ परे हैं तो यशोदा इस सप्ताह देखने लायक फिल्म है। फर्स्ट पोस्ट की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को 5 में से 2.75 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा है कि समंता यशोदा में शानदार हैं, जो अपने चौंकाने वाले मोड़ और मोड़ को प्रभावशाली ढंग से उतारने में लड़खड़ाती हैं। तो द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और लिखा है कि फिल्म का ग्राउंड हाउस ट्रीटमेंट समंता के प्रदर्शन के प्रभाव को नकार देता है, जिसमें बहुत अधिक दृढ़ विश्वास है। द न्यूज मिनट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और लिखा है कि यशोदा के अंत में कुछ खामियां हैं जिससे दर्शक असंतुष्ट हैं। सिनेमा एक्सप्रेस के सुधीर श्रीनिवास ने फिल्म को 5 में से 2.5 सितारे की रेटिंग दी और लिखा है कि समंता के नेतृत्व वाली इस एक्शन फिल्म में आकर्षक विचार रोमांचक कहानी में तब्दील नहीं होते। द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा है कि लेकिन गलत कदमों के बावजूद ये आकर्षक बना हुआ है। लेकिन पिंक विला के अरविंद वी ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और लिखा है कि बॉलीवुड अभिनेता उन्नी कृष्णन
इसके बाद तेलुगु सिनेमा में एक लोकप्रिय नाम बनाने की संभावना है। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पुदीप रेड्डी ने लिखा है कि प्रोडक्शन डिजाइन एक विशेष योग्य के उल्लेख है, क्योंकि अधिकांश कहानी एक बड़ी सुविधा के अंदर सामने आती है और सेट वर्क सराहनीय है। इंडिया टुडे ने लिखा है कि यशोदा बहुत बेहतर हो सकती थी यदि निर्देशक जोड़ी ने स्पष्ट बातें न कहने पर ध्यान केंद्रित किया होता। तो न्यूज 18 की सृष्टि नेगी ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा है कि यशोदा को धैर्य और ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार जब आप भले पहले भाग को पार कर लेते हैं तो फिल्म आपका पूरा ध्यान खींचती है, जिससे ये आपके समय के लायक हो जाती है। इंडिया हेराल्ड के एक आलोचक ने लिखा है कि कुल मिलाकर फिल्म औसत दर्जे की है। समंथा अलग है क्योंकि उसने दोहरे चरित्र वाले किरदार को सहजता से निभाया है और उत्कृष्ट उत्पादन मूल्य अन्य कास्टिंग भी उत्कृष्ट है। यशोदा फिल्म को डायरेक्ट किया है हरिशंकर ने, तो वो एक भारतीय निर्देशक और लेखक जोड़ी हैं जो मुख्य रूप से तमिल फिल्म उद्योग में काम करते हैं। हरी और हरीश तमिल में अपनी तरह की लगातार 3 पहली फिल्मों के फिल्म निर्माता के रूप में अग्रणी हैं, अर्थात आर ए राव 2010 और भारत की पहली इवेंट फिल्म अम्बुली 2012, पहली स्टीरियोग्राफिक पीड 3D तमिल फिल्म और अलाह 2014 पहली हॉरर एंथोलॉजी फिल्म है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है और इन्हें हर हरीश के नाम से जाना जाता है। इनका व्यवसाय निर्देशक और लेखक हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2010 से वर्तमान तक 2022 में हरीश ने समंथा रुद्रप्रभु अभिनीत यशोदा के साथ तेलुगु सिनेमा निर्देशन की शुरुआत की थी। तो यशोदा फिल्म में समंथा रुद्रप्रभु ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है। दर्शकों ने इनकी काफ़ी सराहनाएं भी की हैं। तो समंथा रुद्रप्रभु एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती हैं। वो कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं जिनमें 4 दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल हैं। इनका जन्म 28 अप्रैल 1987 को मद्रास तमिलनाडु भारत में इनका जन्म हुआ है। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, समंथा अक्कीनेनी के तहत और अल्मा मेटर है स्टेला मैरिज कॉलेज चेन्नई। पेशा अभिनेत्री हैं, इनका व्यवसाय है और इनके जीवन साथी हैं नागा चैतन्य। समंथा रुद्रप्रभु वाणिज्य में डिग्री हासिल करने के दौरान एक मॉडल के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद समंथा रुद्रप्रभु ने तेलुगु रोमांस फिल्म ये माया चे सावे 2010 में अभिनय की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू साउथ के लिए फिल्मफेयर अवार्ड जीता था और वो 2012 की फिल्मों में निथाने एवं पुनवंथम और ईगा में अपने अभिनय के लिए क्रमशः एक ही वर्ष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी अभिनेत्री बन गई थी। और अगले कुछ वर्षों में उन्होंने दुकुडु 2011 और सिथम्मा वाटिकेले सिर में चले चेट्टू जैसी सर्वाधिक कमाई करने वाली एंड्रोसेट्रिक फिल्मों में एक मुख्य महिला की भूमिका निभाई है, जो 2012 में और अंतरिटी डेरेडी 2013 और कथथी 2014, थेरी 2016 और 24 2016 और मिर्सल 2017 और रंगस्थलम 2018 ए 2016 में उनके प्रदर्शन ने समंथा को 14 फिल्मफेयर पुरस्कार दिया और उन्हें महंती 2018 और सुपर डीलक्स 2019 और माजली 2019 और अमेजन प्राइम वीडियो थ्रिलर श्रृंखला द फैमिली में उनके प्रदर्शन के लिए और प्रशंसाएं मिली हैं। यार 2021 इनमें से आखिरी ने उन्हें फिल्मफेयर OTT पुरस्कार भी दिलाया है। अभिनय के अलावा समंथा रुद्रप्रभु ने 2020 में टॉक शो में सैम जैम की मेजबानी की और वो प्रतुषा स्पोर्ट और शाकी वर्ड की संस्थापक है। उन्होंने 2017 से 2021 तक अभिनेता नागा चैतन्य से शादी की थी। तो आइए जानते हैं समंथा रुद्रप्रभु के जीवन परिचय के बारे में। तो समंथा रुद्रप्रभु जी का जन्म 28 अप्रैल 1987 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता जोसे प्रभु और माँ नीनेट प्रभु थी। उनका जन्म और पालन पोषण चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। दो बड़े भाइयों जोनाथन और डेविड के साथ परिवार की सबसे छोटी संतान के रूप में तमिल भाषा में परंपरागत होने के दौरान अपनी मिश्रित पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने खुद को तमिल बनाया और अपनी शिक्षा के लिए एक भाग के रूप में समंथा रुद की स्कूली शिक्षा होली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी और फिर स्टेला मैरिज कॉलेज चेन्नई में वाणिज्य की डिग्री पूरी की और अपनी स्नातक की डिग्री के अंत में वो मॉडलिंग में शामिल हो गई थी, विशेष रूप से नायडू हॉल के साथ काम करते हुए, जहाँ उन्होंने पहली बार फिल्म निर्माता
रवि वर्मन ने देखा था। शमंता रुद्रप्रभु ने अपने पेशेवर फिल्मी करियर की शुरुआत गौतम वासुदेव मेनन की तेलुगु फिल्म ये माया चेसावे 2010 से की और तमिल में वेनन थाड़ी वरुवैया 2010 से के रूप में बनाई थी। ये फिल्म रिलीज से पहले अत्यधिक प्रख्यात थी और मुख्य रूप से गौतम मेनन और संगीतकार एआर रहमान के साथ पहली बार सहयोग के कारण अभिनेत्री ने सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया था और अगस्त 2009 में इस परियोजना के लिए साइन कर अप किया गया था। फिल्म की शूटिंग भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी और यह 26 फरवरी 2010 को रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद उन्होंने खुलासा किया कि मेनन ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में ढलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें सिखाया गया है कि स्क्रीन के सामने स्वाभाविक और सहज कैसे रहना है, भले ही किसी दृश्य में उनके कोई संवाद न हो। फिल्म में समंता ने मुख्य किरदार जैसी की भूमिका निभाई, जो हैदराबाद में रहने वाली एक मलयाली सेंट थॉमस ईसाई लड़की हैं, जिसके साथ नाग चैतन्य द्वारा अभिनीत पुरुष नायक को प्यार हो जाता है और फिल्म के रिलीज होने पर समंता को उनके किरदार के लिए अत्यधिक सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं और साथ ही साथ फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली हैं। शिफी के आलोचक ने समंता रुद्रप्रभु की दृष्टि से चोरी करने वाली और उनकी सुंदरता की आकर्षक के रूप में प्रशंसा की है और कहा है कि वो एक ऐसी लड़की थी जिस पर ध्यान देना चाहिए, जिसे जीवी ने लिखा है और समंता की पहली फिल्म तेलुगु सिनेमा में सबसे अच्छी नायिका की शुरुआत में से एक है और फिल्म को क्लासिक करार देते हुए कहा गया है कि उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे भाव उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये माया चिशावी में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन दिलाया गया था और उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और दक्षिण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार भी मिला था। तो समंता रुद्रप्रभु फिल्म के लिए तमिल संस्करण में एक सहायक निर्देशक की भूमिका में एक कैमियो की भूमिका दिखाई थी, जो एक अभिनेत्री बन जाती हैं और फिल्मों के लिए तेलुगु और तमिल दोनों संस्करण बड़ी सफलता से साबित हुए हैं, जिसमें समंता रुद्रप्रभु को स्टारडम मिला है। उन्होंने गौतम मेनन और एआर रहमान के साथ अपने सहयोग के बाद विश्व शास्त्रीय तमिल सम्मेलन 2010 के प्रचार गीत सेमोझियाना थमिज मोझियाम के संगीत वीडियो में अभिनय किया है, जैसे मेनन ने निर्देशित किया और रहमान ने संगीतबद्ध किया था। समंता की अगली रिलीज रोमांटिक ड्रामा बना कथड़ी 2010 थी, जिसमें अधरावा की सामने थी। ये फिल्म वास्तव में अभिनेत्री द्वारा हस्ताक्षरित तीसरी तमिल परियोजना थी, लेकिन इसकी रिलीज पहले दो परियोजनाओं से पहले हुई थी, जिनके पूरा होने में देरी के कारण उन्हें अनुबंधित किया गया था। समंता रुद्रप्रभु ने नेशनल इंडस्ट्री ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के एक छात्र की भूमिका निभाई है, जो तमिल सिनेमा में इस तरह की पहली भूमिका थी। उनकी अगली रिलीज रवि वर्मन की माइक्रोवन कावेरी थी, जो 2010 मूल रूप से पहली फिल्म जिस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2007 में शुरू हुई और समंता के साथ फिर उन्हें कुछ समय के लिए स्क्रीन नाम यशोदा के साथ श्रेय दिया गया था, जो बाद में वर्ष में टीम में शामिल हुई और 2008 में आयोजित एक साक्षात्कार में रवि वर्मन ने उल्लेख किया है कि उनके एक व्यावसायिक असाइनमेंट को देखने के 3 मिनट के भीतर उन्होंने तय कर लिया था कि समंता उनकी फिल्म की मुख्य अभिनेत्री होंगी। उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री रेवती के साथ तुलना करते हुए उन्हें बुद्धिमत्ता और क्षमता वाली अभिनेत्री के रूप में वर्णित किया है। हालांकि अन्य परियोजनाओं में सिनेमेटोग्राफर के रूप में रवि वर्मन की पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म विकास के नरक में लटक गई, अंततः अगस्त 2010 में रिलीज हुई थी। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। हालांकि समंता के प्रदर्शन को फिल्म की एकमात्र मुख्य विशेषताओं में से एक के रूप में श्रेय दिया गया है, जिसे अगस्त 2008 में अपनी आखिरी 3 परियोजनाओं को पूरा करने के दौरान समंता ने नारायण स्टारर पुकाड़ा रवि में एक आधुनिक लड़की की मुख्य भूमिका निभाने के लिए भी साइन किया था, जिससे बाद में बंद कर दिया गया था। और समंता ने इसके बाद वामसी पेड़ापल्ली की तेलुगु फिल्म बृंदावनम 2010 में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने NTR जूनियर और काजल अग्रवाल के साथ सहायक भूमिका निभाई थी। कम स्क्रीन समय होने के बावजूद हिंदू के रूप में उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया था और ये फिल्म तेलुगु में उनकी दूसरी फिल्म सफल बन गई थी। समंता रुद्रप्रभु ने महेश बाबू के साथ
बड़े बजट की तेलुगु फिल्म डुकुडु 2012 में अभिनय किया है, जो अब तक की सबसे सफल तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने कहा है कि समंथा रुद्रप्रभु सुंदर दिखती हैं और उन्हें बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि शांति के रूप में उनकी भूमिका बहुत लंबी नहीं है। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के दूसरा नामांकन मिला है और बाद में उन्होंने गौतम वासुदेव मेनन की दो फिल्मों में अतिथि की भूमिका निभाई है। पहली बार मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म नदुनिसी नायगल में 2011 में एक मानसिक शरण कैदी के रूप में और फिर फिल्म के हिंदी संस्करण एक दीवाना था 2012 में विंथैंडी। उनकी लोकप्रियता के कारण नदुसिनी नायगल को तेलुगु में इरा गुलाबिलु के नाम से डब और रिलीज किया गया था, जिसमें केवल अतिथि की भूमिका के बाद बावजूद समंथा रुद्रप्रभु को फिल्म के पोस्टर पर प्रमुखता से दिखाया गया था। इस अवधि के दौरान समंथा रुद्रप्रभु ने तमिल में दो बड़े बजट की परियोजनाओं में मणिरत्नम और की कदल 2013 और शंकर की आई पर भी हस्ताक्षर किए थे 2015 में, लेकिन उन्होंने दोनों फिल्मों में से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा था क्योंकि वो एक त्वचा रोग पीड़ित थी और 2012 के मध्य में दो महीने तक काम नहीं कर सकी। समंथा रुद्रप्रभु ने अगली बार एस राजामौली के लाइव एक्शन तेलुगु फिल्म द्विभाषी प्रोजेक्ट ईगा 2012 में नानी और सुदीप के साथ अभिनय किया था, जिसमें एक सूक्ष्म कलाकार की भूमिका निभाई गई जो एक एनजीओ चलाती हैं और अपने प्रेमी की हत्या का बदला लेती हैं। चूंकि फिल्म में सीजीआई द्वारा निर्मित घरेलू मक्खी को मुख्य किरदार के रूप में दिखाया गया था, समंथा ने कहा है कि उसे अपनी कल्पना का उपयोग करना होगा और उसके अनुसार कार्य करना होगा। उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि फिल्म की शूटिंग के लिए कई भारी रोशनी का इस्तेमाल किया गया था और बाद में उनकी त्वचा जल गई और उन्होंने इस प्रक्रिया को बहुत तनावपूर्ण लेकिन संतोषजनक बताया है। तमिल में नान ई 2012 शीर्षक वाली इस फिल्म को अत्यधिक सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं और समंथा रुद्रप्रभु ने अपने प्रदर्शन के लिए उच्च आलोचनात्मक प्रशंसाएं हासिल की है। द हिंदू के एक आलोचक ने कहा है कि समंथा उसे दी गई भूमिका में खिलती हैं, जबकि आइडबेन कॉम की जीवी ने लिखा है कि उसकी सफलता जारी रहेगी क्योंकि वो एक शोक संतप्त प्रेमिका की भूमिका निभाती हैं और पूर्णतया साथ निभा रही हैं। शफी.com के फिल्म में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की है और उन्होंने कहा है कि प्यार, डर और चिंता की सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ फिल्म के लिए अच्छा काम करती हैं और वो खूबसूरत दिखती हैं और उन्होंने अपनी भूमिका पूरी सहजता से निभाई है। फिल्म 1.25 अरब रुपये से अधिक की कमाई कर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई है और कई विदेशी और भारतीय भाषाओं में डब किया गया है। इसके बाद समंथा रुद्रप्रभु ने गौतम वासुदेव मेनन की एक त्रिभाषी रोमांटिक ड्रामा फिल्म में काम किया है और फिल्म के तमिल, तेलुगु और हिंदी संस्करणों में निथ्या की प्रमुख महिला की भूमिका निभाई है, जिनमें तीन अलग अलग अभिनेताओं के साथ बाद में एक दृश्यों की शूटिंग की गई है। तमिल संस्करण निथाने एन पोनवंथम 2012 में उन्हें जीवा के साथ दिखाया गया था, जबकि ये तो वेली पियोनिधि मनशु 2012 में उन्हें नानी के साथ जोड़ा गया था। अत्यधिक राय कपूर के साथ 80-90 पूरी शो नामक एक ही हिंदी संस्करण को अन्य दो फिल्मों के साथ एक साथ शूट किया गया था और 60% पूरा किया गया था। इससे पहले कि मेनन ने अपनी दूसरी हिंदी फिल्म एक दीवाना था की बात उद्यम को बंद कर दिया है और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। ये फिल्म एक जोड़ी के जीवन की तीन अवधियों पर केंद्रित है जो स्कूल, कॉलेज और उनके 20वें दशक के उत्तरार्ध में उन्हें रोमांटिक संबंधों पर केंद्रित है। समंथा रुद्रप्रभु ने खुलासा किया है कि वो जानती थी कि गौतम उसके साथ फिर से काम करना चाहेंगे। जब उन्हें फिल्म की पेशकश की गई थी तो तुरंत भूमिका निभाने का अवसर स्वीकार कर लिया और उसने महसूस किया कि वो चरित्र के गुणों और परिस्थितियों को खुद को जोड़ सकती हैं और उसने निथ्या के चरित्र को उसके करीब बताया है। अपने प्रदर्शन को यथासंभव प्रामाणिक बनाने के लिए समंथा रुद्रप्रभु ने फिल्म के लिए तमिल संस्करण में खुद के लिए डब करने का विकल्प चुना है। फिल्म के तमिल और तेलुगु संस्करण दिसंबर 2012 में प्रदर्शित किए गए थे, जिस पर ध्रुवीकरण वाली प्रतिक्रियाएं आई और निथिन एक पुनवासंथिम मिश्रित समीक्षाएं मिली और
बॉक्स ऑफिस पर अवसर प्रदर्शन किया था। हालांकि समंता रुद्र प्रभु को अपने चित्रण के लिए अत्यधिक आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली। द हिंदू के आलोचक ने कहा है कि इस साल तमिल सिनेमा में किसी महिला प्रधान कलाकार द्वारा संभवतः सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ आई है। ये एक भड़कीली किशोरी से एक वयस्क में जो अपने अहंकार पर काबू पाने में समर्थ है और समंता एक स्कूली बच्चे से एक वयस्क में परिवर्तन देखने लायक है। जबकि redpi.com ने कहा है कि सुंदर, शालीन और प्यार में पड़ी एक लड़की की भावनाओं को व्यक्त करने का उत्कृष्ट काम करती हैं। विशेष रूप से स्कूल सीक्वेंस के दौरान समापन के समय वो फिल्म को अपने पतले कंधों पर ले जाती हैं। तेलुगु संस्करण ये तो विप्लोनिधि मनुष्य को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। जबकि समंता के प्रदर्शन को फिर से उच्च आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली हैं। द हिंदू ने लिखा है कि वो जैसी ये मैया चेसावे की अपने प्रसिद्ध चित्रण में कदम आगे की ओर रखती हैं और 60वीं फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में हैं। बाद में उन्होंने नीथन एन पुनवत्थम और ईगा में अपने प्रदर्शन के लिए तमिल और तेलुगु फिल्म उद्योग दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है और 1993 में रेवती द्वारा दोनों पुरस्कार हासिल करने के बाद समंता ये उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी अभिनेत्री बन गई हैं और 2012 में उनका सबसे शानदार पुरस्कार विजेता बन गई हैं और उन्होंने विजय अवार्ड, संतोषम फिल्म अवार्ड्स और सिनेमा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए और भी प्रशंसाएं प्राप्त की हैं। हालांकि समंता रुद्र प्रभु ने अक्सर अपनी शुरुआती फिल्मों में मजबूत चरित्र वाली भूमिका निभाती हैं, लेकिन 2012 के बाद वो बड़े बजट नायक उन्मुख फिल्मों में तेजी से दिखाई देने लगी हैं जिनमें अभिनेत्रियों के लिए तुलनात्मक रूप से कम गुंजाइश होती है। और समंता अगली बार वेंकटेश और महेश बाबू के साथ तेलुगु मल्टी स्टारर फिल्म सीथम्मा वट्टेलो सिरमल्ले और चेटू 2013 में दिखाई दी, जिसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली और व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। हालांकि उनकी भूमिका उनके सहकलाकारों की तुलना में छोटी थी। IBN लाइव ने कहा है कि यह देखकर अच्छा लगा कि समंता ने अपना ग्लैमरस पक्ष छोड़ दिया और अपने प्रदर्शन उन्मुख भूमिकाओं का स्वागत किया जिसे वो केवल चतुराई और सहजता से संभालती हैं। हालांकि रोमांटिक कॉमेडी सिद्धार्थ के साथ जबरदस्त 2013 जिसमें उन्होंने एक वेडिंग प्लानर की भूमिका निभाई थी और व्यावसायिक रूप से असफल रही थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि समंता एक दिन बेहतर होती जा रही हैं और उन्हें स्क्रीन की समंता दिन पर दिन बेहतर होती जा रही हैं और उसे स्क्रीन पर देखना खुशी की बात है। इसके बाद समंता रुद्र प्रभु ने पवन कल्याण के साथ पारिवारिक ड्रामा अंटार्कटिका डेरिडी 2013 में अभिनय किया जो रिलीज होने पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई थी। redpi.com के एक आलोचक ने कहा है कि समंता आत्मविश्वास दिखाती हैं भले ही उसके पास स्क्रीन पर सीमित समय है और करने के लिए कुछ भी खास नहीं। इसके बाद उनके प्रदर्शन ने उन्हें साइमा अवार्ड और संतोषम फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया है। इन सब विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यशोदा एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो हरि हरीश द्वारा लिखित और निर्देशित है। इसमें उन्नी मुकुंदन, वरलक्ष्मी, शरद कुमार और मुरली शर्मा के साथ समंता रुद्र प्रभु मुख्य भूमिका में हैं। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म के निर्देशक हैं हरि हरीश जी और इसे लिखा है हरि हरीश ने और इस फिल्म को उत्पादित किया है शिवलंका कृष्णा प्रसाद ने और अभिनीत किया है समंता रुद्र प्रभु और उन्नी मुकुंदन ने और वरलक्ष्मी, मुरली शर्मा और राव रमेश ने और इस फिल्म का छायांकन किया है यश सुकुमार ने और इसे संपादित किया है मार्तंड के वेंकटेश और इस फिल्म में संगीत दिया है मणि शर्मा ने और उत्पादन कंपनी है श्रीदेवी फिल्म्स के तहत इस फिल्म को वितरित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यह मूवी रिलीज हुई थी 11 नवंबर 2022 को देश भारत भाषा तेलुगु में। अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 30 से 40 करोड़ रुपये का। अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 32 से 50 करोड़ रुपये का। तो इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में समाप्त हुई थी। फिल्म का स्कोर मणि शर्मा द्वारा रचित है और जबकि सिनेमेटोग्राफी और संपादन क्रमशः एम सुकुमार और मतड के वेंकटेश द्वारा संभाला गया है। फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी और यशोदा को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस फिल्म की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो जोमेटो में काम करने वाली यशोदा सरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि उन्हें अपनी बहन की सर्जरी के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अले आधुनिक सरोगेसी केंद्र
ईवा में ले जाया जाता है। यशोदा कुछ सरोगेट माताओं से दोस्ती करती है और उनके साथ समय बिताती है। उन सभी को पता चलेगा कि उनमें से प्रत्येक गरीब है और उन्हें पैसे की ज़रूरत है। इस बीच स्थानीय पुलिस बिजनेस टाइकून शिवा रेड्डी और उनकी प्रेमिका आरुषी की दुर्घटना की जांच करती हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि यह एक पूर्व योजनाबद्ध हत्या थी और पुलिस ने जांच का नेतृत्व करने के लिए वासुदेव आईपीएस को नियुक्त किया था और उसे पता चला है कि आरुषि एक मॉडल थी और वो उसके ईमेल मेल और टेक्स्ट संदेशों की जांच करती है और उसे पता चलता है कि आरुषि को उसके दोस्त ने एक विशिष्ट कॉस्मेटिक ब्रांड का प्रचार करने की सलाह दी थी क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन होते हैं जो वैज्ञानिकों के लिए आहत होते हैं और वासुदेव की उनकी टीम आरुषि के दोस्त से मिलने जाती है। लेकिन पता चलता है कि दोनों एक दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। वासुदेव अपने घर से एक केमिस्टिक नमूना प्राप्त करती हैं और एक मृत हॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया की मौत के साथ एक संबंध पाते हैं जिसकी मौत नशीला जूस पीने से हुई थी। जब वो कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री गिरधर के पास पेटेंट है और अज्ञात लोगों के हमले के बाद वासुदेव को पता चला है कि 6 महीने में 122 मॉडल भारत आएंगे। उसे पता चला है कि एक मॉडल एलेना पहले ही आ चुकी है। वासुदेव अपनी टीम और पुलिस आयुक्त बलराम के साथ जंगल तक उसका पीछा करती हैं लेकिन स्थानीय आदिवासियों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। यशोदा को युवा पर संदेह हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी सहेलियां काजल और लीला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने और सर्जरी के बाद लापता हो गई थी और उसे यह जानकर झटका लगा कि युवा शहर में नहीं लेकिन वास्तव में उन्हें लाइव प्रोजेक्टर का उपयोग करके सरोगेट माताओं को दिखाया गया था। तो बाद में यशोदा जोन 2 में घुस जाती है और जहां वो शादी सरोगेट जेनी से लड़ती है जो उसके गर्भवती होने का नाटक कर रही है और युवा की सदस्य है शंकाया। वो यशोदा को मारने की कोशिश करती है लेकिन यशोदा उसे मारने में सफल हो जाती है। इसके बाद यशोदा को संपत्ति के कमरे में मृत बच्चों और सरोगेट माताओं से भरे कई बक्से मिले जिसमें उसे काजल और लीला के शव और लीला के बच्चे के शव भी प्राप्त हुए। तो फिर यशोदा को मधुबाला की मकान के तहत सुरक्षा गार्ड द्वारा पकड़ लिया जाता है। जब सुरक्षा गार्ड उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वो उससे लड़ती है और उसे मार भी देती है। फिर वो युवा के बारे में और अधिक जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बैच का उपयोग करके मधुबाला के केबिन में प्रवेश करने की कोशिश करती है लेकिन मधुबाला द्वारा पकड़ ली जाती है। तो मधुबाला ने खुलासा किया कि वो एक बीमार से पीड़ित थी जिसके परिणाम स्वरूप उसकी सुंदरता खो गई थी और उम्र बढ़ने लगी थी। लेकिन गौतम ने एक दवा विकसित की और उस दवा को उसकी मदद की जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई। हालांकि यह दवा केवल एक स्थायी समाधान है जिसका प्रभाव केवल 6 महीने तक रहता है। गिरधर जो मधुबालक का पति है उसे अपने शोध के लिए धन देकर एक नई दवा का आविष्कार करने के लिए कहा जाता है। वर्तमान में मधुबाला और गौतम अपने निवेशकों के साथ एक बैठक करते हैं जबकि यशोदा को बैठक का लाइव फुटेज दिखाते हैं जिसे एक अलग कमरे में बंदी बनाकर रखा गया है। तो भूड में प्लाज्मा और गुप्त घटक हैं जिसका उपयोग दवा के आविष्कार के लिए किया जाता है और वे गरीब महिलाओं को पैसे देकर सरोगेट माँ बनने के लिए नियुक्त करते हैं। उन्हें गर्भवती करने वाली नकली प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने और सेक्शन करने के बाद भ्रूण को हटा देते हैं, महिला को चुपचाप मार देते हैं और प्लाज्मा पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आखिरकार उन्होंने दवा बनाई और इसे अमीर महिलाओं को बेच दिया जिनमें ज़्यादातर मॉडल CEO और अभिनेत्रियां थीं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि ओलिविया की मौत ड्रग इंटरनेशनल के कारण हुई थी। उन्होंने आरुषि और शिवा रेड्डी को दुर्घटना में मार डाला क्योंकि उन्हें पता चला है कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी वही दवा है और उन्होंने इसे लीक करने की धमकी दी थी। जंगल में वासुदेव और उनकी टीम को पता चलता है कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिला हुआ है। वासुदेव और उनकी टीम को मारने के लिए एक मान में लाया जाता है। युवा में यशोदा को पता चलता है कि सुविधा एक जंगल में स्थित है और आपातकालीन विकास के माध्यम से भागने का प्रबंध करती है।
लेकिन गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है जिसने वासुदेव और उसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। हालांकि गौतम को यशोदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया है और ये पता चला है कि यशोदा वास्तव में एक कुशल IPS प्रशिक्षु है जो युवा में गुप्तचर है। अकादमी टापर होने के बावजूद उन्हें पुलिस बल में शामिल होने के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक दिन यशोदा को अपनी बहन वृंदा के लापता होने के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है कि वो उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए सरोगेट माँ बन गई है और उसे युवा के पास लाया जाता है। उसे ढूंढने के लिए यशोदा एक सरोगेट माँ बन गई है और शुरू से ही सब कुछ योजना बनाई है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ यशोदा गुंड और गौतम को हरा देती है, लेकिन उसके पेट में चोट लग जाती है जिसके परिणाम स्वरूप उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो जाती है। इस बीच वासुदेव और उनकी टीम ने आदिवासियों को हरा दिया और बलराम को मार डाला। यशोदा अपने साथी सरोगेट्स से मिलती है और वृंदा के बारे में पूछती है, लेकिन उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो मधुबाला हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे रोकने में सफल हो जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वह गर्भवती थी, लेकिन अपनी सुंदरता और शोध का निखारने और विकसित करने के लिए उन्होंने गर्भपात कराकर अपने भ्रूण की बलि दे दी। मधुबाला ने असली चेहरे और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकर महिलाएँ क्रोधित हो गईं और उसे चट्टान से धक्का दे दिया। उससे इसी कारण उसकी मौत हो गई। गौतम भागने की कोशिश करता है, लेकिन वासुदेव और उसकी टीम द्वारा पकड़ लिया जाता है। यशोदा को वृंदा मिलती है जो प्रसव पीड़ा में है। महिलाएं वृंदा की बच्ची को जन्म देने में यशोदा की सहायता करती हैं। बाद में गिरधर की भी घोटाले में संलिप्तता उजागर हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है। तो उनके बारे में, तो यशोदा के रूप में समंता रुद्र प्रभु हैं और डॉक्टर गौतम के रूप में उन्नी मुकुंदन हैं और वरलक्ष्मी शरद कुमार बाला के रूप में हैं। राव रमेश केंद्रीय मंत्री गिरधर के रूप में हैं और पुलिस कमिश्नर बलराम के रूप में मुरली शर्मा हैं और वासुदेव IPS के रूप में संपत राज हैं और राजीव कुमार अनेजा विदेश मंत्री बने हुए हैं। शत्रु पुलिस जांच अधिकारी ऋषि IPS के रूप में हैं और केयर टेकर सुधम्मा के रूप में मधुरमा हैं और दिव्या श्रीपदा लीला के रूप में हैं। तेजू के रूप में कलिका गणेश हैं और काजल के रूप में प्रियंका शर्मा हैं। वृंदा के रूप में प्रीति अरसानी हैं। आइए जानते हैं इस फिल्म के विकास के बारे में। तो अभिनेत्री शमंता ने अक्टूबर 2021 में एक तेलुगु तमिल द्विभाषी फिल्म साइन की, जिसका निर्देशन श्रीदेवी मूवीज के प्रोडक्शन के तहत हरिशंकर और हरीश नारायण की जोड़ी ने किया था, जिसे दिसंबर 2021 में फिल्म का शीर्षक यशोदा घोषित किया गया था। कार्यकारी निर्माता सेंथिल के साथ चर्चा के बाद फिल्म केवल तेलुगु में बनाई गई थी। तो क्रमशः एम सुकुमार और मातरण के वेटेंगसर और छायांकन और संपादन के साथ मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई। 100 दिनों की शूटिंग के बाद एक गाने को छोड़कर फिल्मांकन जुलाई 2022 तक पूरा हो गया था। CGI कार्य और पोस्ट प्रोडक्शन कार्य बाद में शुरू हुआ था। इस फिल्म में कुल एक ही गाना है जिसे गाया है सारा संगीत मणि शर्मा द्वारा रचित है। नंबर एक गोद भराई, इसे गाया है राम जुगेव शास्त्री ने और साहिथी चगंती ने। तो फ्रेंड्स, यशोदा शुरू में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के अवसर पर 12 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी। फिल्मांकन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसे 17 अक्टूबर 2022 को नई रिलीज तारीख 11 नवंबर 2022 को घोषित की गई थी, जहां फिल्म तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के अलावा तेलुगु में भी रिलीज होगी। तो फिल्म में रिलीज पूर्व 55 करोड़ का व्यवसाय किया, जिसमें नाटकीय और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार शामिल थे, जो क्रमशः 11.50 करोड़ और 2 करोड़ से लगाकर 20 करोड़ की लागत पर बेचे गए थे। तो फिल्म का प्रीमियम 9 दिसंबर 2022 को तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ तेलुगु में अमेजन प्राइम वीडियो पर किया गया था। तेलुगु संस्करण का प्रीमियम 5 फरवरी 2023 को ETV पर टेलीविजन पर किया गया था। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस फिल्म का स्वागत समारोह कैसा रहा। तो यशोदा को आलोचकों से और दर्शकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। द टाइम ऑफ इंडिया की निश्ता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा है कि यदि आप सामान्य मशाला या प्रेम कहानियों से कुछ परे हैं तो यशोदा इस सप्ताह
देखने लायक फिल्म है। फर्स्ट पोस्ट की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को 5 में से 2.75 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा है कि समंथा यशोदा में शानदार हैं, जो अपने चौंकाने वाले मोड़ और मोड़ को प्रभावशाली ढंग से उतारने में लड़खड़ाती हैं। तो द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और लिखा है कि फिल्म का ग्राउंड हाउस ट्रीटमेंट समंथा के प्रदर्शन के प्रभाव को नकार देता है, जिसमें बहुत अधिक दृढ़ विश्वास है। द न्यूज मिनट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और लिखा है कि यशोदा के अंत में कुछ खामियां हैं जिससे दर्शक असंतुष्ट हैं। सिनेमा एक्सप्रेस के सुधीर श्रीनिवास ने फिल्म को 5 में से 2.5 सितारे की रेटिंग दी है और लिखा है कि समंथा के नेतृत्व वाली इस एक्शन फिल्म में आकर्षक विचार रोमांचक कहानी में तब्दील नहीं होते। द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा है कि लेकिन गलत कदमों के बावजूद ये आकर्षक बना हुआ है। लेकिन पिंक विला के अरविंद वी ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और लिखा है कि बॉलीवुड अभिनेता उन्नी कृष्णन इसके बाद तेलुगु सिनेमा में एक लोकप्रिय नाम बनाने की संभावना है। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पुदीप रेड्डी ने लिखा है कि प्रोडक्शन डिजाइन एक विशेष योग्य के उल्लेख है, क्योंकि अधिकांश कहानी एक बड़ी सुविधा के अंदर सामने आती है और सेट वर्क सराहनीय है। इंडिया टुडे ने लिखा है कि यशोदा बहुत बेहतर हो सकती थी यदि निर्देशक जोड़ी ने स्पष्ट बातें न कहने पर ध्यान केंद्रित किया होता। तो न्यूज 18 की सृष्टि नेगी ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा है कि यशोदा को धैर्य और ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार जब आप भले पहले भाग को पार कर लेते हैं तो फिल्म आपका पूरा ध्यान खींचती है, जिससे ये आपके समय के लायक हो जाती है। इंडिया हेराल्ड के एक आलोचक ने लिखा है कि कुल मिलाकर फिल्म औसत दर्जे की है। समंथा अलग है क्योंकि उसने दोहरे चरित्र वाले किरदार को सहजता से निभाया है और उत्कृष्ट उत्पादन मूल्य अन्य कास्टिंग भी उत्कृष्ट है। यशोदा फिल्म को डायरेक्ट किया है हरिशंकर ने, तो वो एक भारतीय निर्देशक और लेखक जोड़ी हैं जो मुख्य रूप से तमिल फिल्म उद्योग में काम करते हैं। हरी और हरीश तमिल में अपनी तरह की लगातार 3 पहली फिल्मों के फिल्म निर्माता के रूप में अग्रणी हैं, अर्थात आर ए राव 2010 और भारत की पहली इवेंट फिल्म अम्बुली 2012, पहली स्टीरियोग्राफिक पीड 3D तमिल फिल्म और अलाह 2014 पहली हॉरर एंथोलॉजी फिल्म है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है और इन्हें हर हरीश के नाम से जाना जाता है। इनका व्यवसाय निर्देशक और लेखक हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2010 से वर्तमान तक 2022 में हरीश ने समंथा रुद्र प्रभु अभिनीत यशोदा के साथ तेलुगु सिनेमा निर्देशन की शुरुआत की थी। तो यशोदा फिल्म में समंथा रुद्र प्रभु ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है। दर्शकों ने इनकी काफ़ी सराहनाएं भी की हैं। तो समंथा रुद्र प्रभु एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती हैं। वो कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें 4 दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल हैं। इनका जन्म 28 अप्रैल 1987 को मद्रास तमिलनाडु भारत में इनका जन्म हुआ है। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, समंथा अक्कीनेनी के तहत और अल्मा मेटर है स्टेला मैरिज कॉलेज चेन्नई। पेशा अभिनेत्री हैं, इनका व्यवसाय है और इनके जीवन साथी हैं नागा चैतन्य। समंथा रुद्र प्रभु वाणिज्य में डिग्री हासिल करने के दौरान एक मॉडल के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद समंथा रुद्र प्रभु ने तेलुगु रोमांस फिल्म ये माया चे सावे 2010 में अभिनय की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू साउथ के लिए फिल्मफेयर अवार्ड जीता था और वो 2012 की फिल्मों में निथाने एवं पुनवंथम और ईगा में अपने अभिनय के लिए क्रमशः एक ही वर्ष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी अभिनेत्री बन गई थी। और अगले कुछ वर्षों में उन्होंने दुकुडू 2011 और सिथम्मा वाटिकेले सिर में चले चेट्टू जैसी सर्वाधिक कमाई करने वाली एंड्रोसेट्रिक फिल्मों में एक मुख्य महिला की भूमिका निभाई है, जो 2012 में और अंतरिटी डेरेडी 2013 और कथथी 2014, थेरी 2016 और 24 2016 और मिर्सल 2017 और रंगस्थलम 2018 ए 2016 में उनके
प्रदर्शनी। शमंता को 14 फिल्मफेयर पुरस्कार दिया और उन्हें महंती 2018 और सुपर डीलक्स 2019 और मजली 2019 और अमेजिंग प्राइम वीडियो थ्रिलर श्रृंखला द फैमिली में उनके प्रदर्शन के लिए और प्रशंसाएं मिली हैं। यार 2021 इनमें से आखिरी ने उन्हें फिल्मफेयर OTT पुरस्कार भी दिलाया है। अभिनय के अलावा शमंता रुद्र प्रभु ने 2020 में टॉक शो में सैम जैम की मेजबानी की और वो प्रत्युषा स्पोर्ट और शाकी वर्ल्ड की संस्थापक है। उन्होंने 2017 से 2021 तक अभिनेता नागा चेतन से शादी की थी। तो आइए जानते हैं शमंता रुद्र प्रभु के जीवन परिचय के बारे में। तो शमंता रुद्र प्रभु जी का जन्म 28 अप्रैल 1987 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता जूसे प्रभु और माँ नीनेट प्रभु थी। उनका जन्म और पालन पोषण चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। दो बड़े भाइयों जोनाथन और डेविड के साथ परिवार की सबसे छोटी संतान के रूप में तमिल भाषा में परंपरागत होने के दौरान अपनी मिश्रित पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने खुद को तमिल बनाया और अपनी शिक्षा के लिए एक भाग के रूप में शमंता रुद्र की स्कूली शिक्षा होली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी और फिर स्टेला मैरिज कॉलेज चेन्नई में वाणिज्य की डिग्री पूरी की और अपनी स्नातक की डिग्री के अंत में वो मॉडलिंग में शामिल हो गई थी। विशेष रूप से नायडू हॉल के साथ काम करते हुए जहाँ उन्होंने पहली बार फिल्म निर्माता रवि वर्मन ने देखा था। शमंता रुद्र प्रभु ने अपने पेशेवर फिल्मी करियर की शुरुआत गौतम वासुदेव मेनन की तेलुगु फिल्म ये माया चेसावे 2010 से की और तमिल में वेनन थाड़ी वरुवैया 2010 के रूप में बनाई थी। ये फिल्म रिलीज से पहले अत्यधिक प्रख्यात थी और मुख्य रूप से गौतम मेनन और संगीतकार AR रहमान के साथ पहली बार सहयोग के कारण अभिनेत्री ने सफलतापूर्वक ऑडिश दिया था और अगस्त 2009 में इस परियोजना के लिए साइन कर अप किया गया था। फिल्म की शूटिंग भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी और ये 26 फरवरी 2010 को रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद उन्होंने खुलासा किया कि मेनन ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में ढलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें सिखाया गया है कि स्क्रीन के सामने स्वाभाविक और सहज कैसे रहना है, भले ही किसी दृश्य में उनके कोई सम्मान न हो। फिल्म में शमंता ने मुख्य किरदार जैसी की भूमिका निभाई, जो हैदराबाद में रहने वाली एक मलयाली सेंट थॉमस ईसाई लड़की हैं, जिसके साथ नागा चैतन्य द्वारा अभिनीत पुरुष नायक को प्यार हो जाता है और फिल्म के रिलीज होने पर शमंता को उनके किरदार के लिए अत्यधिक सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं और साथ ही साथ फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली हैं। शिफी के आलोचक ने शमंता रुद्र प्रभु की दृष्टि से चोरी करने वाली और उनकी सुंदरता की आकर्षक के रूप में प्रशंसा की है और कहा है कि वो एक ऐसी लड़की थी जिस पर ध्यान देना चाहिए, जिसे जीवी ने लिखा है और शमंता की पहली फिल्म तेलुगु सिनेमा में सबसे अच्छी नायिका की शुरुआत में से एक है और फिल्म को क्लासिक करार देते हुए कहा गया है कि उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे भाव उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये माया चिशावी में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन दिलाया गया था और उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार भी मिला था। तो शमंता रुद्र प्रभु फिल्म के लिए तमिल संस्करण में एक सहायक निर्देशक की भूमिका में एक कैमियो की भूमिका दिखाई थी, जो एक अभिनेत्री बन जाती हैं और फिल्मों के लिए तेलुगु और तमिल दोनों संस्करण बड़ी सफलता से साबित हुए हैं, जिसमें शमंता रुद्र प्रभु को स्टारडम मिला है। उन्होंने गौतम मेनन और AR रहमान के साथ अपने सहयोग के बाद विश्व शास्त्रीय तमिल सम्मेलन 2010 के प्रचार गीत सेमोझियाना थमिज मोझियाम के संगीत वीडियो में अभिनय किया है, जैसे मेनन ने निर्देशित किया और रहमान ने संगीतबद्ध किया था। शमंता की अगली रिलीज रोमांटिक ड्रामा बना कथड़ी 2010 थी, जिसमें अधरावा की सामने थी। ये फिल्म वास्तव में अभिनेत्री द्वारा हस्ताक्षरित तीसरी तमिल परियोजना थी, लेकिन इसकी रिलीज पहले दो परियोजनाओं से पहले हुई थी, जिनके पूरा होने में देरी के कारण उन्हें अनुबंधित किया गया था। शमंता रुद्र प्रभु ने नेशनल इंडस्ट्री ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के एक छात्र की भूमिका निभाई है, जो तमिल सिनेमा में इस तरह की पहली भूमिका थी। उनकी अगली रिलीज रवि वर्मन की माइक्रोवन कावेरी थी, जो 2010 मूल रूप से पहली फिल्म जिस पर उन्होंने काम करना शुरू किया।
फिल्म की शूटिंग अगस्त 2007 में शुरू हुई और समंथा के साथ फिर उन्हें कुछ समय के लिए स्क्रीन नाम यशोदा के साथ श्रेय दिया गया था, जो बाद में वर्ष में टीम में शामिल हुई और 2008 में आयोजित एक साक्षात्कार में रवि वर्मा ने उल्लेख किया है कि उनके एक व्यावसायिक असाइनमेंट को देखने के 3 मिनट के भीतर उन्होंने तय कर लिया था कि समंथा उनकी फिल्म की मुख्य अभिनेत्री होंगी। उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री रेवती के साथ तुलना करते हुए उन्हें बुद्धिमत्ता और क्षमता वाली अभिनेत्री के रूप में वर्णित किया है। हालांकि अन्य परियोजनाओं में सिनेमेटोग्राफर के रूप में रवि वर्मन की पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म विकास के नरक में लटक गई, अंततः अगस्त 2010 में रिलीज हुई थी। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। हालांकि समंथा के प्रदर्शन को फिल्म की एकमात्र मुख्य विशेषताओं में से एक के रूप में श्रेय दिया गया है, जिसे अगस्त 2008 में अपनी आखिरी 3 परियोजनाओं को पूरा करने के दौरान समंथा ने नारायण स्टारर पुकाड़ा रवि में एक आधुनिक लड़की की मुख्य भूमिका निभाने के लिए भी साइन किया था, जिससे बाद में बंद कर दिया गया था। और समंथा ने इसके बाद वामसी पेड़ापल्ली की तेलुगु फिल्म बृंदावनम 2010 में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एनटीआर जूनियर और काजल अग्रवाल के साथ सहायक भूमिका निभाई थी। कम स्क्रीन समय होने के बावजूद इंदु के रूप में उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया था और ये फिल्म तेलुगु में उनकी दूसरी फिल्म सफल बन गई थी। समंथा रुद्रप्रभु ने महेश बाबू के साथ बड़े बजट की तेलुगु फिल्म डुकुडू 2012 में अभिनय किया है, जो अब तक की सबसे सफल तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने कहा है कि समंथा रुद्रप्रभु सुंदर दिखती हैं और उन्हें बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि शांति के रूप में उनकी भूमिका बहुत लंबी नहीं है। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के दूसरा नामांकन मिला है और बाद में उन्होंने गौतम वासुदेव मेनन की 2 फिल्मों में अतिथि की भूमिका निभाई है। पहली बार मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म नदुनिसी नायगल में 2011 में एक मानसिक शरण कैदी के रूप में और फिर फिल्म के हिंदी संस्करण एक दीवाना था 2012 में विंथैंडी उनकी लोकप्रियता के कारण नदुसिनी नायगल को तेलुगु में इरा गुलाबिलु के नाम से डब और रिलीज किया गया था, जिसमें केवल अतिथि की भूमिका के बाद बावजूद समंथा रुद्रप्रभु को फिल्म के पोस्टर पर प्रमुखता से दिखाया गया था। इस अवधि के दौरान समंथा रुद्रप्रभु ने तमिल में 2 बड़े बजट की परियोजनाओं में मणिरत्नम और की कदल 2013 और शंकर की आई पर भी हस्ताक्षर किए थे 2015 में, लेकिन उन्होंने दोनों फिल्मों में से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा था क्योंकि वो एक त्वचा रोग पीड़ित थी और 2012 के मध्य में 2 महीने तक काम नहीं कर सकी। समंथा रुद्रप्रभु ने अगली बार एस राजामौली के लाइव एक्शन तेलुगु फिल्म द्विभाषी प्रोजेक्ट ईगा 2012 में नानी और सुदीप के साथ अभिनय किया था, जिसमें एक सूक्ष्म कलाकार की भूमिका निभाई गई जो एक एनजीओ चलाती हैं और अपने प्रेमी की हत्या का बदला लेती हैं। चूंकि फिल्म में CGI द्वारा निर्मित घरेलू मक्खी को मुख्य किरदार के रूप में दिखाया गया था, समंथा ने कहा है कि उसे अपनी कल्पना का उपयोग करना होगा और उसके अनुसार कार्य करना होगा। उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि फिल्म की शूटिंग के लिए कई भारी रोशनी का इस्तेमाल किया गया था और बाद में उनकी त्वचा जल गई और उन्होंने इस प्रक्रिया को बहुत तनावपूर्ण लेकिन संतोषजनक बताया है। तमिल में नान ई 2012 शीर्षक वाली इस फिल्म को अत्यधिक सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं और समंथा रुद्रप्रभु ने अपने प्रदर्शन के लिए उच्च आलोचनात्मक प्रशंसाएं हासिल की है। द हिंदू के एक आलोचक ने कहा है कि समंथा उसे दी गई भूमिका में खिलती हैं, जबकि आइडबेन कॉम की जीवी ने लिखा है कि उसकी सफलता जारी रहेगी क्योंकि वो एक शोक संतप्त प्रेमिका की भूमिका निभाती हैं और पूर्णतया साथ निभा रही हैं। Shafi.com के फिल्म में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की है और उन्होंने कहा है कि प्यार, डर और चिंता की सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ फिल्म के लिए अच्छा काम करती हैं और वो खूबसूरत दिखती हैं और उन्होंने अपनी भूमिका पूरी सहजता से निभाई है। फिल्म 1.25 अरब रुपये से अधिक की कमाई कर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई है और कई विदेशी और भारतीय भाषाओं में डब किया गया है। इसके बाद समंथा रुद्रप्रभु ने गौतम वासुदेव मेनन की एक त्रिभाषी रोमांटिक ड्रामा फिल्म में काम किया है और फिल्म के तमिल, तेलुगु और हिंदी संस्करणों में निथ्या की प्रमुख महिला की भूमिका निभाई है, जिनमें 3 अलग अलग अभिनेताओं के साथ बाद में एक दृश्यों की शूटिंग की गई है। तमिल संस्करण निथाने एन
पुनवंथम 2012 में उन्हें जीवा के साथ दिखाया गया था, जबकि ये तो वेली पियोनिधि मनुषु 2012 में उन्हें नानी के साथ जोड़ा गया था। अत्यधिक राय कपूर के साथ 80-90 पूरी शो नामक एक ही हिंदी संस्करण को अन्य दो फिल्मों के साथ एक साथ शूट किया गया था और 60% पूरा किया गया था। इससे पहले कि मेनन ने अपनी दूसरी हिंदी फिल्म एक दीवाना था की बात उद्धम को बंद कर दिया है और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। ये फिल्म एक जोड़ी के जीवन की 3 अवधियों पर केंद्रित है जो स्कूल, कॉलेज और उनके 20वें दशक के उत्तरार्ध में उन्हें रोमांटिक संबंधों पर केंद्रित है। समंतर प्रभु ने खुलासा किया है कि वो जानती थी कि गौतम उसके साथ फिर से काम करना चाहेंगे। जब उन्हें फिल्म की पेशकश की गई थी तो तुरंत भूमिका निभाने का अवसर स्वीकार कर लिया और उसने महसूस किया कि वो चरित्र के गुणों और परिस्थितियों को खुद को जोड़ सकती हैं और उसने निथ्या के चरित्र को उसके करीब बताया ही। अपने प्रदर्शन को यथासंभव प्रामाणिक बनाने के लिए समंतर प्रभु ने फिल्म के लिए तमिल संस्करण में खुद के लिए डब करने का विकल्प चुना है। फिल्म के तमिल और तेलुगु संस्करण दिसंबर 2012 में प्रदर्शित किए गए थे, जिस पर ध्रुवीकरण वाली प्रतिक्रियाएं आई और नितिन एक पुनवासंथम मिश्रित समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया था। हालांकि समंतर प्रभु को अपने चित्रण के लिए अत्यधिक आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली। द हिंदू के आलोचक ने कहा है कि इस साल तमिल सिनेमा में किसी महिला प्रधान कलाकार द्वारा संभवतः सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ आई है। ये एक भड़कीली किशोरी से एक वयस्क में जो अपने अहंकार पर काबू पाने में स्फर्त है और समंथा एक स्कूली बच्चे से एक वयस्क में परिवर्तन देखने लायक है। जबकि redfi.com ने कहा है कि सुंदर, शालीन और प्यार में पड़ी एक लड़की की भावनाओं को व्यक्त करने का उत्कृष्ट काम करती हैं। विशेष रूप से स्कूल सीक्वेंस के दौरान समापन के समय वो फिल्म को अपने पतले कंधों पर ले जाती हैं। तेलुगु संस्करण ये तो विपिलोनिधि मनुषु को सकारात्मक समीक्षा मिली और व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि समंथा के प्रदर्शन को फिर से उच्च आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली हैं। द हिंदू ने लिखा है कि वो जैसी ये मैया चेसावे की अपने प्रसिद्ध चित्रण में कदम आगे की ओर रखती हैं और 60वीं फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में हैं। बाद में उन्होंने नीथन एन पुनवत्थम और ईगा में अपने प्रदर्शन के लिए तमिल और तेलुगु फिल्म उद्योग दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है और 1993 में रेवती द्वारा दोनों पुरस्कार हासिल करने के बाद समंथा ये उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी अभिनेत्री बन गई हैं और 2012 में उनका सबसे शानदार पुरस्कार विजेता बन गई हैं और उन्होंने विजय अवार्ड, संतोषम फिल्म अवार्ड्स और सिनेमा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए और भी प्रशंसाएं प्राप्त की हैं। हालांकि समंथा रुद्रप्रभु ने अक्सर अपनी शुरुआती फिल्मों में मजबूत चरित्र वाली भूमिका निभाती हैं, लेकिन 2012 के बाद वो बड़े बजट नायक उन्मुख फिल्मों में तेजी से दिखाई देने लगी हैं जिनमें अभिनेत्रियों के लिए तुलनात्मक रूप से कम गुंजाइश होती है और समंथा अगली बार वेंकटेश और महेश बाबू के साथ तेलुगु मल्टी स्टारर फिल्म सीथम्मा वट्टेलो सिरमल्ले और चेटू 2013 में दिखाई दी, जिसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली और व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। हालांकि उनकी भूमिका उनके सह कलाकारों की तुलना में छोटी थी। IBN लाइव ने कहा है कि यह देखकर अच्छा लगा कि समंथा ने अपना ग्लैमरस पक्ष छोड़ दिया और अपने प्रदर्शन उन्मुख भूमिकाओं का स्वागत किया जिसे वो केवल चतुराई और सहजता से संभालती हैं। हालांकि रोमांटिक कॉमेडी सिद्धार्थ के साथ जबरदस्त 2013 जिसमें उन्होंने एक वेडिंग प्लानर की भूमिका निभाई थी और व्यावसायिक रूप से असफल रही थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि समंथा एक दिन बेहतर होती जा रही हैं और उन्हें स्क्रीन की समंथा दिन पर दिन बेहतर होती जा रही हैं और उसे स्क्रीन पर देखना खुशी की बात है। इसके बाद समंथा रुद्रप्रभु ने पवन कल्याण के साथ पारिवारिक ड्रामा अंटार्कटिका डेरिडी 2013 में अभिनय किया जो रिलीज होने पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई थी। redfi.com के एक आलोचक ने कहा है कि समंथा आत्मविश्वास दिखाती हैं भले ही उसके पास स्क्रीन पर सीमित समय है और करने के लिए कुछ भी खास नहीं। इसके बाद उनके प्रदर्शन ने उन्हें साइमा अवार्ड और संतोषम फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया है। हरिहरीश जी और इसे लिखा है हरिहरीश ने, प्रसाद ने और अभिनीत किया है समंथा रुद्रप्रभु और उन्नी मुकुंदन ने और वर लक्ष्मी मुरली शर्मा और राव रमेश ने और इस फिल्म का छायांकन किया है यश सुकुमार ने और इसे संपादित किया है मर्तड़
के वेंकटेश और इस फिल्म में संगीत दिया है मणि शर्मा ने और उत्पादन कंपनी है श्रीदेवी फिल्म्स के तहत इस फिल्म को वितरित किया गया है। तो फ्रेंड्स यह मूवी रिलीज हुई थी 11 नवंबर 2022 को देश भारत भाषा तेलुगु में। अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 30 से 40 करोड़ रुपये का। अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 32 से 50 करोड़ रुपये का। तो इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में समाप्त हुई थी। फिल्म का स्कोर मणि शर्मा द्वारा रचित है और जबकि सिनेमेटोग्राफी और संपादन क्रमशः एम सुकुमार और मतड के वेंकटेश द्वारा संभाला गया है। फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी और यशोदा को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षाएँ मिली हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही है। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए इस फिल्म की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो जोमेटो में काम करने वाली यशोदा सरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि उन्हें अपनी बहन की सर्जरी के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और उसे डॉक्टर मधुबाला के स्वामित्व वाले आधुनिक सरोगेसी केंद्र ईवा में ले जाया जाता है। यशोदा कुछ सरोगेट माताओं से दोस्ती करती है और उनके साथ समय बिताती है। उन सभी को पता चलेगा कि उनमें से प्रत्येक गरीब है और उन्हें पैसे की ज़रूरत है। इस बीच स्थानीय पुलिस बिजनेस टाइकून शिवा रेड्डी और उनकी प्रेमिका आरुषि की दुर्घटना की जांच करती हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि यह एक पूर्व योजनाबद्ध हत्या थी और पुलिस ने जांच का नेतृत्व करने के लिए वासुदेव आईपीएस को नियुक्त किया था और उसे पता चला है कि आरुषि एक मॉडल थी और वो उसके ईमेल मेल और टेक्स्ट संदेशों की जांच करती है। और उसे पता चलता है कि आरुषि को उसके दोस्त ने एक विशिष्ट कॉस्मेटिक ब्रांड का प्रचार करने की सलाह दी थी क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन होते हैं जो वैज्ञानिकों के लिए आहत होते हैं। और वासुदेव की उनकी टीम आरुषि के दोस्त से मिलने जाती है, लेकिन पता चलता है कि दोनों एक दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। वासुदेव अपने घर से एक केमिस्टिक नमूना प्राप्त करती हैं और एक मृत हॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया की मौत के साथ एक संबंध पाते हैं जिसकी मौत नशीला जूस पीने से हुई थी। जब वो केमिस्टिक ब्रांड के मालिक के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री गिरधर के पास पेटेंट है और अज्ञात लोगों के हमले के बाद वासुदेव को पता चला है कि 6 महीने में 122 मॉडल भारत आएंगे। उसे पता चला है कि एक मॉडल एलेना पहले ही आ चुकी है। वासुदेव अपनी टीम और पुलिस आयुक्त बलराम के साथ जंगल तक उसका पीछा करती हैं, लेकिन स्थानीय आदिवासियों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। यशोदा को युवा पर संदेह हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी सहेलियां काजल और लीला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने और सर्जरी के बाद लापता हो गई थी और उसे यह जानकर झटका लगा कि युवा शहर में नहीं लेकिन वास्तव में उन्हें लाइव प्रोजेक्टर का उपयोग करके सरोगेट माताओं को दिखाया गया था। तो बाद में यशोदा जोन 2 में घुस जाती है और जहां वो साथी सरोगेट जेनी से लड़ती है जो उसके गर्भवती होने का नाटक कर रही है और युवा की सदस्य है शंकाया। वो यशोदा को मारने की कोशिश करती है लेकिन यशोदा उसे मारने में सफल हो जाती है। इसके बाद यशोदा को संपत्ति के कमरे में मृत बच्चों और सरोगेट माताओं से भरे कई बक्से मिले जिसमें उसे काजल और लीला के शव और लीला के बच्चे के शव भी प्राप्त हुए। तो फिर यशोदा को मधुबाला की मकान के तहत सुरक्षा गार्ड द्वारा पकड़ लिया जाता है। जब सुरक्षा गार्ड उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वह उससे लड़ती है और उसे मार भी देती है। फिर वो युवा के बारे में और अधिक जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बैच का उपयोग करके मधुबाला के केबिन में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन मधुबाला द्वारा पकड़ ली जाती है। तो मधुबाला ने खुलासा किया कि वो एक बीमार से पीड़ित थी जिसके परिणाम स्वरूप उसकी सुंदरता खो गई थी और उम्र बढ़ने लगी थी। लेकिन गौतम ने एक दवा विकसित की और उस दवा को उसकी मदद की जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई। हालांकि यह दवा केवल एक स्थायी समाधान है जिसका प्रभाव केवल 6 महीने तक रहता है। गिरधर जो मधुबालक का पति है उसे अपने शोध के लिए धन देकर एक नई दवा का आविष्कार करने के लिए कहा जाता है। वर्तमान में मधुबाला और गौतम अपने निवेशकों के साथ एक बैठक करते हैं जबकि यशोदा को बैठक का लाइव फुटेज दिखाते हैं जिसे एक अलग कमरे में बंदी बनाकर रखा गया है।
तो भ्रूण में प्लाज्मा और गुप्त घटक हैं जिसका उपयोग दवा के आविष्कार के लिए किया जाता है और वे गरीब महिलाओं को पैसे देकर सरोगेट माँ बनने के लिए नियुक्त करते हैं। उन्हें गर्भवती करने वाली नकली प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने और सी सेक्शन करने के बाद भ्रूण को हटा देते हैं, महिला को चुपचाप मार देते हैं और प्लाज्मा पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आखिरकार उन्होंने दवा बनाई और इसे अमीर महिलाओं को बेच दिया जिनमें ज़्यादातर मॉडल, सीईओ और अभिनेत्रियां थीं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि ओलिविया की मौत ड्रग इंटरनेशनल के कारण हुई थी। उन्होंने आरुषि और शिवा रेड्डी को दुर्घटना में मार डाला क्योंकि उन्हें पता चला है कि कैमिस्टिक ब्रांड में भी वही दवा है और उन्होंने इसे लीक करने की धमकी दी थी। जंगल में वासुदेव और उनकी टीम को पता चलता है कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिला हुआ है। वासुदेव और उनकी टीम को मारने के लिए एक मान में लाया जाता है। युवा में यशोदा को पता चलता है कि सुविधा एक जंगल में स्थित है और आपातकालीन विकास के माध्यम से भागने का प्रबंध करती है, लेकिन गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है जिसने वासुदेव और उसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। हालांकि गौतम को यशोदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया है और ये पता चला है कि यशोदा वास्तव में एक कुशल आईपीएस प्रशिक्षु है जो युवा में गुप्तचर है। अकादमी टापर होने के बावजूद उन्हें पुलिस बल में शामिल होने के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक दिन यशोदा को अपनी बहन वृंदा के लापता होने के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है कि वो उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए सरोगेट माँ बन गई है और उसे युवा के पास लाया जाता है। उसे ढूंढने के लिए यशोदा एक सरोगेट माँ बन गई है और शुरू से ही सब कुछ योजना बनाई है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ यशोदा गुंडों और गौतम को हरा देती है, लेकिन उसके पेट में चोट लग जाती है जिसके परिणामस्वरूप उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो जाती है। इस बीच वासुदेव और उनकी टीम ने आदिवासियों को हरा दिया और बलराम को मार डाला। यशोदा अपने साथी सरोगेट्स से मिलती है और वृंदा के बारे में पूछती है, लेकिन उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो मधुबाला हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे रोकने में सफल हो जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वह गर्भवती थी, लेकिन अपनी सुंदरता और शोध का निखारने और विकसित करने के लिए उन्होंने गर्भपात कराकर अपने भ्रूण की बलि दे दी। मधुबाला ने असली चेहरे और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकर महिलाएँ क्रोधित हो गईं और उसे चट्टान से धक्का दे दिया। उससे इसी कारण उसकी मौत हो गई। गौतम भागने की कोशिश करता है, लेकिन वासुदेव और उसकी टीम द्वारा पकड़ लिया जाता है। यशोदा को वृंदा मिलती है जो प्रसव पीड़ा में है। महिलाएं वृंदा की बच्ची को जन्म देने में यशोदा की सहायता करती हैं। बाद में गिरधर की भी घोटाले में संलिप्तता उजागर हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है। तो उनके बारे में, तो यशोदा के रूप में समंता अरुत प्रभु हैं और डॉक्टर गौतम के रूप में उन्नी मुकुंदन हैं और वरलक्ष्मी शरद कुमार बाला के रूप में हैं। राव रमेश केंद्रीय मंत्री गिरधर के रूप में हैं और पुलिस कमिश्नर बलराम के रूप में मुरली शर्मा हैं और वासुदेव आईपीएस के रूप में संपत राज हैं और राजीव कुमार अनेजा विदेश मंत्री बने हुए हैं। शत्रु पुलिस जांच अधिकारी ऋषि आईपीएस के रूप में हैं और केयर टेकर सुधम्मा के रूप में मधुरमा हैं और दिव्या श्रीपदा लीला के रूप में हैं। तेजू के रूप में कलिका गणेश हैं और काजल के रूप में प्रियंका शर्मा हैं। वृंदा के रूप में प्रीति अरसानी हैं। आइए जानते हैं इस फिल्म के विकास के बारे में। तो अभिनेत्री समंता ने अक्टूबर 2021 में एक तेलुगु तमिल द्विभाषी फिल्म साइन की, जिसका निर्देशन श्रीदेवी मूवीज के प्रोडक्शन के तहत हरिशंकर और हरीश नारायण की जोड़ी ने किया था, जिसे दिसंबर 2021 में फिल्म का शीर्षक यशोदा घोषित किया गया था। कार्यकारी निर्माता सेंथिल के साथ चर्चा के बाद फिल्म केवल तेलुगु में बनाई गई थी। तो क्रमशः एम सुकुमार और मातरण के वेटेंगसोर और छायांकन और संपादन के साथ मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई। 100 दिनों की शूटिंग के बाद एक गाने को छोड़कर फिल्मांकन जुलाई 2022 तक पूरा हो गया था। CGI कार्य और पोस्ट प्रोडक्शन कार्य बाद में शुरू हुआ था। इस फिल्म में कुल एक ही गाना है जिसे गाया है, सारा संगीत मणि शर्मा द्वारा रचित है। नंबर एक गोद भराई, इसे गाया है राम जोगेश शास्त्री ने और साहिथी चगंती ने।
तो फ्रेंड्स यशोदा शुरू में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के अवसर पर 12 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी। फिल्मांकन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसे 17 अक्टूबर 2022 को नई रिलीज तारीख 11 नवंबर 2022 को घोषित की गई थी, जहां फिल्म तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के अलावा तेलुगु में भी रिलीज होगी। तो फिल्म में रिलीज पूर्व 55 करोड़ का व्यवसाय किया है, जिसमें नाटकीय और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार शामिल थे, जो क्रमशः 11.50 करोड़ और 2 करोड़ से लगाकर 20 करोड़ की लागत पर बेचे गए थे। तो फिल्म का प्रीमियम 9 दिसंबर 2022 को तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ तेलुगु में अमेजन प्राइम वीडियो पर किया गया था। तेलुगु संस्करण का प्रीमियम 5 फरवरी 2023 को ई टीवी पर टेलीविजन पर किया गया था। फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म का स्वागत समारोह कैसा रहा। तो यशोदा को आलोचकों से और दर्शकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। द टाइम ऑफ इंडिया की निस्ता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा है कि यदि आप सामान्य मसाला या प्रेम कहानियों से कुछ परे हैं तो यशोदा इस सप्ताह देखने लायक फिल्म है। फर्स्ट पोस्ट की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को 5 में से 2.75 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा है कि समंथा यशोदा में शानदार हैं, जो अपने चौंकाने वाले मोड़ और मोड़ को प्रभावशाली ढंग से उतारने में लड़खड़ाती हैं। तो द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और लिखा है कि फिल्म का ग्राउंड हाउस ट्रीटमेंट समंथा के प्रदर्शन के प्रभाव को नकार देता है, जिसमें बहुत अधिक दृढ़ विश्वास है। द न्यूज मिनट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और लिखा है कि यशोदा के अंत में कुछ खामियां हैं जिससे दर्शक असंतुष्ट हैं। सिनेमा एक्सप्रेस के सुधीर श्रीनिवास ने फिल्म को 5 में से 2.5 सितारे की रेटिंग दी है और लिखा है कि समंथा के नेतृत्व वाली इस एक्शन फिल्म में आकर्षक विचार रोमांचक कहानी में तब्दील नहीं होते। द हिंदू की संगीता डेविड डंडू ने लिखा है कि लेकिन गलत कदमों के बावजूद यह आकर्षक बना हुआ है। लेकिन पिंक विला के अरविंद वी ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और लिखा है कि बॉलीवुड अभिनेता उन्नी कृष्णन इसके बाद तेलुगु सिनेमा में एक लोकप्रिय नाम बनाने की संभावना है। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पुदीपेड्डी ने लिखा है कि प्रोडक्शन डिजाइन एक विशेष योग्य के उल्लेख है, क्योंकि अधिकांश कहानी एक बड़ी सुविधा के अंदर सामने आती है और सेट वर्क सराहनीय है। इंडिया टुडे ने लिखा है कि यशोदा बहुत बेहतर हो सकती थी यदि निर्देशक जोड़ी ने स्पष्ट बातें न कहने पर ध्यान केंद्रित किया होता। तो न्यूज 18 की सृष्टि नेगी ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा है कि यशोदा को धैर्य और ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार जब आप भले पहले भाग को पार कर लेते हैं तो फिल्म आपका पूरा ध्यान खींचती है, जिससे ये आपके समय के लायक हो जाती है। इंडिया हेराल्ड के एक आलोचक ने लिखा है कि कुल मिलाकर फिल्म औसत दर्जे की है। समंथा अलग है क्योंकि उसने दोहरे चरित्र वाले किरदार को सहजता से निभाया है और उत्कृष्ट उत्पादन मूल्य, अन्य कास्टिंग भी उत्कृष्ट है। यशोदा फिल्म को डायरेक्ट किया है हरिशंकर ने, तो वो एक भारतीय निर्देशक और लेखक जोड़ी हैं जो मुख्य रूप से तमिल फिल्म उद्योग में काम करते हैं। हरी और हरीश तमिल में अपनी तरह की लगातार 3 पहली फिल्मों के फिल्म निर्माता के रूप में अग्रणी हैं, अर्थात आर ए राव 2010 और भारत की पहली इवेंट फिल्म अम्बुली 2012, पहली स्टीरियोग्राफिक पीड 3D तमिल फिल्म और अलाह 2014 पहली हॉरर एंथोलॉजी फिल्म है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है और इन्हें हर हरीश के नाम से जाना जाता है। इनका व्यवसाय निर्देशक और लेखक हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2010 से वर्तमान तक 2022 में हरीश ने समंथा रुद्र प्रभु अभिनीत यशोदा के साथ तेलुगु सिनेमा निर्देशन की शुरुआत की थी। तो यशोदा फिल्म में समंथा रुद्र प्रभु ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो उनके द्वारा निभाए गए रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है। दर्शकों ने इनकी काफ़ी सराहना भी की हैं। तो समंथा रुद्र प्रभु एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती हैं। वो कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें 4 दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल हैं। इनका जन्म 28 अप्रैल 1987 को मद्रास, तमिलनाडु, भारत में इनका जन्म हुआ है। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, समंथा अक्कीनेनी के तहत, और अल्मा मेटर है स्टेला मैरिज कॉलेज चेन्नई। पेशा अभिनेत्री हैं। इनका व्यवसाय है
और इनके जीवन साथी हैं नागा चैतन्य। समंता रुद्र प्रभु वाणिज्य में डिग्री हासिल करने के दौरान एक मॉडल के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद समंता रुद्र प्रभु ने तेलुगु रोमांस फिल्म ये माया चेसावे 2010 में अभिनय की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू साउथ के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। और वो 2012 की फिल्मों में निथाने एवं पुनवंथम और ईगा में अपने अभिनय के लिए क्रमशः एक ही वर्ष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी अभिनेत्री बन गई थी। और अगले कुछ वर्षों में उन्होंने दुकुडु 2011 और सिथम्मा वाटिकेले सिर में चले चेट्टू जैसी सर्वाधिक कमाई करने वाली एंड्रोसेट्रिक फिल्मों में एक मुख्य महिला की भूमिका निभाई है, जो 2012 में और अंतरिटी डेरेडी 2013 और कथथी 2014, थेरी 2016 और 24 2016 और मिर्सल 2017 और रंगस्थलम 2018 ए 2016 में उनके प्रदर्शन ने समंता को 14 फिल्मफेयर पुरस्कार दिया और उन्हें महंती 2018 और सुपर डीलक्स 2019 और माजली 2019 और अमेजिंग प्राइम वीडियो थ्रिलर श्रृंखला द फैमिली में उनके प्रदर्शन के लिए और प्रशंसाएं मिली हैं। यार 2021 इनमें से आखिरी ने उन्हें फिल्मफेयर OTT पुरस्कार भी दिलाया है। अभिनय के अलावा समंता रुद्र प्रभु ने 2020 में टॉक शो में सैम जैम की मेजबानी की और वो प्रत्युषा स्पोर्ट और शाकी वर्ड की संस्थापक है। उन्होंने 2017 से 2021 तक अभिनेता नागा चैतन्य से शादी की थी। तो आइए जानते हैं समंता रुद्र प्रभु के जीवन परिचय के बारे में। तो समंता रुद्र प्रभु जी का जन्म 28 अप्रैल 1987 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता जोसे प्रभु और माँ नीनेट प्रभु थी। उनका जन्म और पालन पोषण चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। दो बड़े भाइयों जोनाथन और डेविड के साथ परिवार की सबसे छोटी संतान के रूप में तमिल भाषा में परंपरागत होने के दौरान अपनी मिश्रित पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने खुद को तमिल बनाया और अपनी शिक्षा के लिए एक भाग के रूप में समंता रुद्र की स्कूली शिक्षा होली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी और फिर स्टेला मैरिज कॉलेज चेन्नई में वाणिज्य की डिग्री पूरी की और अपनी स्नातक की डिग्री के अंत में वो मॉडलिंग में शामिल हो गई थी, विशेष रूप से नायडू हॉल के साथ काम करते हुए, जहाँ उन्होंने पहली बार फिल्म निर्माता रवि वर्मन ने देखा था। समंता रुद्र प्रभु ने अपने पेशेवर फिल्मी करियर की शुरुआत गौतम वासुदेव मेनन की तेलुगु फिल्म ये माया चेसावे 2010 से की और तमिल में विनन थाड़ी वरुवैया 2010 के रूप में बनाई थी। ये फिल्म रिलीज से पहले अत्यधिक प्रख्यात थी और मुख्य रूप से गौतम मेनन और संगीतकार AR रहमान के साथ पहली बार सहयोग के कारण अभिनेत्री ने सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया था और अगस्त 2009 में इस परियोजना के लिए साइन कर अप किया गया था। फिल्म की शूटिंग भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी और ये 26 फरवरी 2010 को रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद उन्होंने खुलासा किया कि मेनन ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में ढलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें सिखाया गया है कि स्क्रीन के सामने स्वाभाविक और सहज कैसे रहना है, भले ही किसी दृश्य में उनके कोई सम्मान न हो। फिल्म में समंता ने मुख्य किरदार जैसी की भूमिका निभाई, जो हैदराबाद में रहने वाली एक मलयाली सेंट थॉमस ईसाई लड़की हैं, जिसके साथ नागा चैतन्य द्वारा अभिनीत पुरुष नायक को प्यार हो जाता है। और फिल्म के रिलीज होने पर समंता को उनके किरदार के लिए अत्यधिक सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं और साथ ही साथ फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली हैं। शिफी के आलोचक ने समंता रुद्र प्रभु की दृष्टि से चोरी करने वाली और उनकी सुंदरता की आकर्षक के रूप में प्रशंसा की है और कहा है कि वो एक ऐसी लड़की थी जिस पर ध्यान देना चाहिए, जिसे जीवी ने लिखा है। और समंता की पहली फिल्म तेलुगु सिनेमा में सबसे अच्छी नायिका की शुरुआत में से एक है और फिल्म को क्लासिक करार देते हुए कहा गया है कि उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे भाव उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये माया चिसावे में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन दिलाया गया था और उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार भी मिला था। तो समंता रुद्र प्रभु फिल्म के लिए तमिल संस्करण में एक सहायक निर्देशक की भूमिका में एक कैमियो की भूमिका दिखाई थी,
जो एक अभिनेत्री बन जाती हैं और फिल्मों के लिए तेलुगु और तमिल दोनों संस्करण बड़ी सफलता से साबित हुए हैं, जिसमें समंतर प्रभु को स्टारडम मिला है। उन्होंने गौतम मेनन और एआर रहमान के साथ अपने सहयोग के बाद विश्व शास्त्रीय तमिल सम्मेलन 2010 के प्रचार गीत सेमोजियाना थमिज मोजियाम के संगीत वीडियो में अभिनय किया है, जैसे मेनन ने निर्देशित किया और रहमान ने संगीतबद्ध किया था। समंता की अगली रिलीज रोमांटिक ड्रामा बना कथड़ी 2010 थी, जिसमें अधरावा की सामने थी। ये फिल्म वास्तव में अभिनेत्री द्वारा हस्ताक्षरित तीसरी तमिल परियोजना थी, लेकिन इसकी रिलीज पहले दो परियोजनाओं से पहले हुई थी, जिनके पूरा होने में देरी के कारण उन्हें अनुबंधित किया गया था। समंता प्रभु ने नेशनल इंडस्ट्री ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के एक छात्र की भूमिका निभाई है, जो तमिल सिनेमा में इस तरह की पहली भूमिका थी। उनकी अगली रिलीज रवि वर्मन की माइक्रोवन कावेरी थी, जो 2010 मूल रूप से पहली फिल्म जिस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2007 में शुरू हुई और समंता के साथ फिर उन्हें कुछ समय के लिए स्क्रीन नाम यशोदा के साथ श्रेय दिया गया था, जो बाद में वर्ष में टीम में शामिल हुई। और 2008 में आयोजित एक साक्षात्कार में रवि वर्मन ने उल्लेख किया है कि उनके एक व्यावसायिक असाइनमेंट को देखने के 3 मिनट के भीतर उन्होंने तय कर लिया था कि समंता उनकी फिल्म की मुख्य अभिनेत्री होंगी। उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री रेवती के साथ तुलना करते हुए उन्हें बुद्धिमत्ता और क्षमता वाली अभिनेत्री के रूप में वर्णित किया है। हालांकि अन्य परियोजनाओं में सिनेमेटोग्राफर के रूप में रवि वर्मन की पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म विकास के नरक में लटक गई। अंततः अगस्त 2010 में रिलीज हुई थी। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। हालांकि समंता के प्रदर्शन को फिल्म की एकमात्र मुख्य विशेषताओं में से एक के रूप में श्रेय दिया गया है, जिसे अगस्त 2008 में अपनी आखिरी 3 परियोजनाओं को पूरा करने के दौरान समंता ने नारायण स्टारर पुकाड़ा रवि में एक आधुनिक लड़की की मुख्य भूमिका निभाने के लिए भी साइन किया था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। और समंता ने इसके बाद वामसी पेड़ापल्ली की तेलुगु फिल्म बृंदावनम 2010 में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने NTR जूनियर और काजल अग्रवाल के साथ सहायक भूमिका निभाई थी। कम स्क्रीन समय होने के बावजूद इंदु के रूप में उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया था और ये फिल्म तेलुगु में उनकी दूसरी फिल्म सफल बन गई थी। समंता प्रभु ने महेश बाबू के साथ बड़े बजट की तेलुगु फिल्म डुकुडू 2012 में अभिनय किया है, जो अब तक की सबसे सफल तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने कहा है कि समंता रुत प्रभु सुंदर दिखती हैं और उन्हें बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि शांति के रूप में उनकी भूमिका बहुत लंबी नहीं है। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन मिला है और बाद में उन्होंने गौतम वासुदेव मेनन की 2 फिल्मों में अतिथि की भूमिका निभाई है। पहली बार मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म नदुनिसी नायगल में 2011 में एक मानसिक शरण कैदी के रूप में और फिर फिल्म के हिंदी संस्करण एक दीवाना था 2012 में विंथैंडी उनकी लोकप्रियता के कारण नदुसिनी नायगल को तेलुगु में इरा गुलाबिलू के नाम से डब और रिलीज किया गया था, जिसमें केवल अतिथि की भूमिका के बाद बावजूद समंता रुत प्रभु को फिल्म के पोस्टर पर प्रमुखता से दिखाया गया था। इस अवधि के दौरान समंता रुत प्रभु ने तमिल में 2 बड़े बजट की परियोजनाओं में मणिरत्नम और की कदल 2013 और शंकर की आई पर भी हस्ताक्षर किए थे 2015 में, लेकिन उन्होंने दोनों फिल्मों में से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा था क्योंकि वो एक त्वचा रोग पीड़ित थी और 2012 के मध्य में 2 महीने तक काम नहीं कर सकी। समंता रुत प्रभु ने अगली बार SS राजामौली के लाइव एक्शन तेलुगु फिल्म द्विभाषी प्रोजेक्ट ईगा 2012 में नानी और सुदीप के साथ अभिनय किया था, जिसमें एक सूक्ष्म कलाकार की भूमिका निभाई गई जो एक NGO चलाती हैं और अपने प्रेमी की हत्या का बदला लेती हैं। चूंकि फिल्म में CGI द्वारा निर्मित घरेलू मक्खी को मुख्य किरदार के रूप में दिखाया गया था, समंता ने कहा है कि उसे अपनी कल्पना का उपयोग करना होगा और उसके अनुसार कार्य करना होगा। उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि फिल्म की शूटिंग के लिए कई भारी रोशनी का इस्तेमाल किया गया था और बाद में उनकी त्वचा जल गई और उन्होंने इस प्रक्रिया को बहुत तनावपूर्ण लेकिन संतोषजनक बताया है।
तमिल में नन ई 2012 शीर्षक वाली इस फिल्म को अत्यधिक सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं और शमंथा रुद्र प्रभु ने अपने प्रदर्शन के लिए उच्च आलोचनात्मक प्रशंसाएं हासिल की है। द हिंदू के एक आलोचक ने कहा है कि समंथा उसे दी गई भूमिका में खिलती हैं, जबकि आइडबेन कॉम की जीवी ने लिखा है कि उसकी सफलता जारी रहेगी क्योंकि वो एक शोक संतप्त प्रेमिका की भूमिका निभाती हैं और पूर्णतया साथ निभा रही हैं। शफी.com के फिल्म में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की है और उन्होंने कहा है कि प्यार, डर और चिंता की सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ फिल्म के लिए अच्छा काम करती हैं और वो खूबसूरत दिखती हैं और उन्होंने अपनी भूमिका पूरी सहजता से निभाई है। फिल्म 1.25 अरब रुपये से अधिक की कमाई कर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई है और कई विदेशी और भारतीय भाषाओं में डब किया गया है। इसके बाद समंथा रुद्र प्रभु ने गौतम वासुदेव मेनन की एक त्रिभाषी रोमांटिक ड्रामा फिल्म में काम किया है और फिल्म के तमिल, तेलुगु और हिंदी संस्करणों में निथ्या की प्रमुख महिला की भूमिका निभाई है, जिनमें 3 अलग अलग अभिनेताओं के साथ बाद में एक दृश्यों की शूटिंग की गई है। तमिल संस्करण निथाने एन पुनवंथम 2012 में उन्हें जीवा के साथ दिखाया गया था, जबकि ये तो वेली पियोनिधि मनशु 2012 में उन्हें नानी के साथ जोड़ा गया था। अत्यधिक राय कपूर के साथ 80-90 पूरे शो नामक एक ही हिंदी संस्करण को अन्य 2 फिल्मों के साथ एक साथ शूट किया गया था और 60% पूरा किया गया था। इससे पहले कि मेनन ने अपनी दूसरी हिंदी फिल्म एक दीवाना था की बात उद्यम को बंद कर दिया है और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। ये फिल्म एक जोड़ी के जीवन की 3 अवधियों पर केंद्रित है जो स्कूल, कॉलेज और उनके 20वें दशक के उत्तरार्ध में उन्हें रोमांटिक संबंधों पर केंद्रित है। समंथा रुद्र प्रभु ने खुलासा किया है कि वो जानती थी कि गौतम उसके साथ फिर से काम करना चाहेंगे। जब उन्हें फिल्म की पेशकश की गई थी तो तुरंत भूमिका निभाने का अवसर स्वीकार कर लिया और उसने महसूस किया कि वो चरित्र के गुणों और परिस्थितियों को खुद को जोड़ सकती हैं और उसने निथ्या के चरित्र को उसके करीब बताया ही। अपने प्रदर्शन को यथासंभव प्रामाणिक बनाने के लिए समंथा रुद्र प्रभु ने फिल्म के लिए तमिल संस्करण में खुद के लिए डब करने का विकल्प चुना है। फिल्म के तमिल और तेलुगु संस्करण दिसंबर 2012 में प्रदर्शित किए गए थे, जिस पर ध्रुवीकरण वाली प्रतिक्रियाएं आई और निथिन एक पुनवासंथिम मिश्रित समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया था। हालांकि समंथा रुद्र प्रभु को अपने चित्रण के लिए अत्यधिक आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली। द हिंदू के आलोचक ने कहा है कि इस साल तमिल सिनेमा में किसी महिला प्रधान कलाकार द्वारा संभवतः सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ आई है। ये एक भड़कीली किशोरी से एक वयस्क में जो अपने अहंकार पर काबू पाने में असमर्थ है और समंथा एक स्कूली बच्चे से एक वयस्क में परिवर्तन देखने लायक है, जबकि redfi.com ने कहा है कि सुंदर, शालीन और प्यार में पड़ी एक लड़की की भावनाओं को व्यक्त करने का उत्कृष्ट काम करती हैं। विशेष रूप से इसकी स्कूल सीक्वेंस के दौरान समापन के समय वो फिल्म को अपने पतले कंधों पर ले जाती हैं। तेलुगु संस्करण ये तो विपलोनिधि मनशु को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि समंथा के प्रदर्शन को फिर से उच्च आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली हैं। द हिंदू ने लिखा है कि वो जैसी ये मैया चेसावे की अपने प्रसिद्ध चित्रण में कदम आगे की ओर रखती हैं और 60वें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में हैं। बाद में उन्होंने नीथन एन पुनवंथम और ईगा में अपने प्रदर्शन के लिए तमिल और तेलुगु फिल्म उद्योग दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है और 1993 में रेवती द्वारा दोनों पुरस्कार हासिल करने के बाद समंथा ये उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी अभिनेत्री बन गई हैं और 2012 में उनका सबसे शानदार पुरस्कार विजेता बन गई हैं और उन्होंने विजय अवार्ड, संतोषम फिल्म अवार्ड्स और सिनेमा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए और भी प्रशंसाएं प्राप्त की हैं। हालांकि समंथा रुद्र प्रभु ने अक्सर अपनी शुरुआती फिल्मों में मजबूत चरित्र वाली भूमिका निभाती हैं, लेकिन 2012 के बाद वो बड़े बजट नायक उन्मुख फिल्मों में तेजी से दिखाई देने लगी हैं, जिनमें अभिनेत्रियों के लिए तुलनात्मक रूप से कम गुंजाइश होती है और समंथा अगली बार वेंकटेश और महेश बाबू के साथ तेलुगु मल्टी स्टारर फिल्म सीथम्मा वडिकट्टेलु सिरिमल्ले और चेटू 2013 में दिखाई दी, जिसे सकारात्मक समीक्षाएँ मिली और व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। हालांकि उनकी भूमिका उनके सह कलाकारों की तुलना में छोटी थी।
IBN लाइव ने कहा है कि यह देखकर अच्छा लगा कि समंथा ने अपना ग्लैमरस पक्ष छोड़ दिया और अपने प्रदर्शन उन्मुख भूमिकाओं का स्वागत किया जिसे वो केवल चतुराई और सहजता से संभालती हैं। हालांकि रोमांटिक कॉमेडी सिद्धार्थ के साथ जबरदस्त 2013 जिसमें उन्होंने एक वेडिंग प्लानर की भूमिका निभाई थी और व्यावसायिक रूप से असफल रही थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि समंथा एक दिन बेहतर होती जा रही हैं और उन्हें स्क्रीन की समंथा दिन पर दिन बेहतर होती जा रही हैं और उसे स्क्रीन पर देखना खुशी की बात है। इसके बाद समंथा रुद्र प्रभु ने पवन कल्याण के साथ पारिवारिक ड्रामा अंटार्कटिकी डेरिडी 2013 में अभिनय किया जो रिलीज होने पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई थी। redfi.com के एक आलोचक ने कहा है कि समंथा आत्मविश्वास दिखाती हैं भले ही उसके पास स्क्रीन पर सीमित समय है और करने के लिए कुछ भी खास नहीं। इसके बाद उनके प्रदर्शन ने उन्हें साइमा अवार्ड और संतोषम फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया है। वरलक्ष्मी, मुरली शर्मा और राव रमेश ने और इस फिल्म का छायांकन किया है यश सुकुमार ने और इसे संपादित किया है मार्तंड के वेंकटेश और इस फिल्म में संगीत दिया है मणि शर्मा ने और उत्पादन कंपनी है श्रीदेवी फिल्म्स के तहत इस फिल्म को वितरित किया गया है। तो फ्रेंड्स यह मूवी रिलीज हुई थी 11 नवंबर 2022 को देश भारत भाषा तेलुगु में। अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 30 से 40 करोड़ रुपये का। अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 32 से 50 करोड़ रुपये का। तो इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में समाप्त हुई थी। फिल्म का स्कोर मणि शर्मा द्वारा रचित है और जबकि सिनेमेटोग्राफी और संपादन क्रमशः एम सुकुमार और मतड के वेंकटेश द्वारा संभाला गया है। फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी और यशोदा को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही है। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए इस फिल्म की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो जोमेटो में काम करने वाली यशोदा सरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि उन्हें अपनी बहन की सर्जरी के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और उसे डॉक्टर मधुबाला के स्वामित्व वाले आधुनिक सरोगेसी केंद्र ईवा में ले जाया जाता है। यशोदा कुछ सरोगेट माताओं से दोस्ती करती है और उनके साथ समय बिताती है। उन सभी को पता चलेगा कि उनमें से प्रत्येक गरीब है और उन्हें पैसे की ज़रूरत है। किस बीच स्थानीय पुलिस बिजनेस टाइकून शिवा रेड्डी और उनकी प्रेमिका आरुषि की दुर्घटना की जांच करती हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि यह एक पूर्व योजनाबद्ध हत्या थी और पुलिस ने जांच का नेतृत्व करने के लिए वासुदेव IPS को नियुक्त किया था और उसे पता चला है कि आरुषि एक मॉडल थी और वो उसके ईमेल, मेल और टेक्स्ट संदेशों की जांच करती है और उसे पता चलता है कि आरुषि को उसके दोस्त ने एक विशिष्ट कॉस्मेटिक ब्रांड का प्रचार करने की सलाह दी थी क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन होते हैं जो वैज्ञानिकों के लिए आहत होते हैं। और वासुदेव की उनकी टीम आरुषि के दोस्त से मिलने जाती है लेकिन पता चलता है कि दोनों एक दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। वासुदेव अपने घर से एक केमिस्टिक नमूना प्राप्त करती हैं और एक मृत हॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया की मौत के साथ एक संबंध पाते हैं जिसकी मौत नशीला जूस पीने से हुई थी। जब वो केमिस्टिक ब्रांड के मालिक के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री गिरधर के पास पेटेंट है और अज्ञात लोगों के हमले के बाद वासुदेव को पता चला है कि 6 महीने में 122 मॉडल भारत आएंगे। उसे पता चला है कि एक मॉडल एलेना पहले ही आ चुकी है। वासुदेव अपनी टीम और पुलिस आयुक्त बलराम के साथ जंगल तक उसका पीछा करती हैं लेकिन स्थानीय आदिवासियों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। यशोदा को युवा पर संदेह हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी सहेलियां काचल और लीला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने और सर्जरी के बाद लापता हो गई थी और उसे यह जानकर झटका लगा कि युवा शहर में नहीं लेकिन वास्तव में उन्हें लाइव प्रोजेक्टर का उपयोग करके सरोगेट माताओं को दिखाया गया था। तो बाद में यशोदा जोन 2 में घुस जाती है और जहां वो साथी सरोगेट जेनी से लड़ती है जो उसके गर्भवती होने का नाटक कर रही है और युवा की सदस्य है शंकाया। वो यशोदा को मारने की कोशिश करती है लेकिन यशोदा उसे मारने में सफल हो जाती है। इसके बाद यशोदा को संपत्ति के कमरे में मृत बच्चों और सरोगेट माताओं से भरे कई बक्से मिले जिसमें उसे काजल और लीला के शव और लीला के बच्चे के शव भी प्राप्त हुए। तो फिर यशोदा को मधुबाला
की मकान के तहत सुरक्षा गार्ड द्वारा पकड़ लिया जाता है। जब सुरक्षा गार्ड उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वह उससे लड़ती है और उसे मार भी देती है। फिर वो युवक के बारे में और अधिक जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बैच का उपयोग करके मधुबाला के केबिन में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन मधुबाला द्वारा पकड़ ली जाती है। तो मधुबाला ने खुलासा किया कि वो एक बीमार से पीड़ित थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी सुंदरता खो गई थी और उम्र बढ़ने लगी थी। लेकिन गौतम ने एक दवा विकसित की और उस दवा को उसकी मदद की, जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई। हालांकि यह दवा केवल एक स्थायी समाधान है, जिसका प्रभाव केवल 6 महीने तक रहता है। गिरधर, जो मधुबालक का पति है, उसे अपने शोध के लिए धन देकर एक नई दवा का आविष्कार करने के लिए कहा जाता है। वर्तमान में मधुबाला और गौतम अपने निवेशकों के साथ एक बैठक करते हैं, जबकि यशोदा को बैठक का लाइव फुटेज दिखाते हैं, जिसे एक अलग कमरे में बंदी बनाकर रखा गया है। तो भूड में प्लाज्मा और गुप्त घटक हैं, जिसका उपयोग दवा के आविष्कार के लिए किया जाता है, और वे गरीब महिलाओं को पैसे देकर सरोगेट माँ बनने के लिए नियुक्त करते हैं। उन्हें गर्भवती करने वाली नकली प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने और C-सेक्शन करने के बाद भ्रूण को हटा देते हैं, महिला को चुपचाप मार देते हैं और प्लाज्मा पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आखिरकार उन्होंने दवा बनाई और इसे अमीर महिलाओं को बेच दिया, जिनमें ज़्यादातर मॉडल, CEO और अभिनेत्रियां थीं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि ओलिविया की मौत ड्रग इंटरनेशनल के कारण हुई थी। उन्होंने आरुषि और शिवा रेड्डी को दुर्घटना में मार डाला, क्योंकि उन्हें पता चला है कि कैमिस्टिक ब्रांड में भी वही दवा है और उन्होंने इसे लीक करने की धमकी दी थी। जंगल में वासुदेव और उनकी टीम को पता चलता है कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिला हुआ है। वासुदेव और उनकी टीम को मारने के लिए एक मान में लाया जाता है। युवा में यशोदा को पता चलता है कि सुविधा एक जंगल में स्थित है और आपातकालीन विकास के माध्यम से भागने का प्रबंध करती है, लेकिन गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है, जिसने वासुदेव और उसकी टीम को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। हालांकि गौतम को यशोदा ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया है और ये पता चला है कि यशोदा वास्तव में एक कुशल IPS प्रशिक्षु है, जो युवा में गुप्तचर है। अकादमी टापर होने के बावजूद उन्हें पुलिस बल में शामिल होने के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक दिन यशोदा को अपनी बहन वृंदा के लापता होने के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है कि वो उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए सरोगेट माँ बन गई है, और उसे युवा के पास लाया जाता है। उसे ढूंढने के लिए यशोदा एक सरोगेट माँ बन गई है और शुरू से ही सब कुछ योजना बनाई है। एक लड़ाई शुरू हो हरा देती है, लेकिन उसके पेट में चोट लग जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो जाती है। इस बीच वासुदेव और उनकी टीम ने आदिवासियों को हरा दिया और बलराम को मार डाला। यशोदा अपने साथी सरोगेट्स से मिलती है और वृंदा के बारे में पूछती है, लेकिन उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो मधुबाला हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे रोकने में सफल हो जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वह गर्भवती थी, लेकिन अपनी सुंदरता और शोध का निखारने और विकसित करने के लिए उन्होंने गर्भपात कराकर अपने भ्रूण की बलि दे दी। मधुबाला ने असली चेहरे और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकर महिलाएँ क्रोधित हो गईं और उसे चट्टान से धक्का दे दिया, उससे इसी कारण उसकी मौत हो गई। गौतम भागने की कोशिश करता है, लेकिन वासुदेव और उसकी टीम द्वारा पकड़ लिया जाता है। यशोदा को वृंदा मिलती है, जो प्रसव पीड़ा में है। महिलाएं वृंदा की बच्ची को जन्म देने में यशोदा की सहायता करती हैं। बाद में गिरधर की भी घोटाले में संलिप्तता उजागर हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है। तो उनके बारे में, तो यशोदा के रूप में समंता रुद्र प्रभु हैं और डॉक्टर गौतम के रूप में उन्नी मुकुंदन हैं और वरलक्ष्मी शरद कुमार बाला के रूप में हैं। राव रमेश केंद्रीय मंत्री गिरधर के रूप में हैं और पुलिस कमिश्नर बलराम के रूप में मुरली शर्मा हैं और वासुदेव IPS के रूप में संपत राज हैं और राजीव कुमार अनेजा विदेश मंत्री बने हुए हैं। शत्रु पुलिस जांच अधिकारी ऋषि IPS के रूप में हैं और केयरटेकर सुधम्मा के रूप में मधुरमा हैं और दिव्या श्रीपदा लीला के रूप में हैं।
तेजू के रूप में कल्किया गणेश हैं और काजल के रूप में प्रियंका शर्मा हैं, वृंदा के रूप में प्रीति अरसानी हैं। आइए जानते हैं इस फिल्म के विकास के बारे में। तो अभिनेत्री शमंथा ने अक्टूबर 2021 में एक तेलुगु तमिल द्विभाषी फिल्म साइन की, जिसका निर्देशन श्रीदेवी मूवीज के प्रोडक्शन के तहत हरिशंकर और हरीश नारायण की जोड़ी ने किया था, जिसे दिसंबर 2021 में फिल्म का शीर्षक यशोदा घोषित किया गया था। कार्यकारी निर्माता सेंथिल के साथ चर्चा के बाद फिल्म केवल तेलुगु में बनाई गई थी। तो क्रमशः एम सुकुमार और मातरण के वेटेंगसोर और छायांकन और संपादन की साथ मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई। 100 दिनों की शूटिंग के बाद एक गाने को छोड़कर फिल्मांकन जुलाई 2022 तक पूरा हो गया था। CGI कार्य और पोस्ट प्रोडक्शन कार्य बाद में शुरू हुआ था। इस फिल्म में कुल एक ही गाना है जिसे गाया है सारा संगीत मणि शर्मा द्वारा रचित है। नंबर एक गोद भराई, इसे गाया है राम जुगेश शास्त्री ने और साहिथी चगंती ने। तो फ्रेंड्स, यशोदा शुरू में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के अवसर पर 12 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी। फिल्मांकन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसे 17 अक्टूबर 2022 को नई रिलीज तारीख 11 नवंबर 2022 को घोषित की गई थी, जहां फिल्म तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के अलावा तेलुगु में भी रिलीज होगी। तो फिल्म में रिलीज पूर्व 55 करोड़ का व्यवसाय किया है, जिसमें नाटकीय और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार शामिल थे, जो क्रमशः 11.50 करोड़ और 2 करोड़ से लगाकर 20 करोड़ की लागत पर बेचे गए थे। तो फिल्म का प्रीमियम 9 दिसंबर 2022 को तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ तेलुगु में अमेजन प्राइम वीडियो पर किया गया था। तेलुगु संस्करण का प्रीमियम 5 फरवरी 2023 को ETV पर टेलीविजन पर किया गया था। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस फिल्म का स्वागत समारोह कैसा रहा। तो यशोदा को आलोचकों से और दर्शकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। द टाइम ऑफ इंडिया की निश्ता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा है कि यदि आप सामान्य मशाला या प्रेम कहानियों से कुछ परे हैं तो यशोदा इस सप्ताह देखने लायक फिल्म है। फर्स्ट पोस्ट की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को 5 में से 2.75 स्टार की रेटिंग दी है और लिखा है कि समंथा यशोदा में शानदार हैं, जो अपने चौंकाने वाले मोड़ और मोड़ को प्रभावशाली ढंग से उतारने में लड़खड़ाती हैं। तो द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और लिखा है कि फिल्म का ग्राउंड हाउस ट्रीटमेंट समंथा के प्रदर्शन के प्रभाव को नकार देता है, जिसमें बहुत अधिक दृढ़ विश्वास है। द न्यूज मिनट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और लिखा है कि यशोदा के अंत में कुछ खामियां हैं जिससे दर्शक असंतुष्ट हैं। सिनेमा एक्सप्रेस के सुधीर श्रीनिवास ने फिल्म को 5 में से 2.5 सितारे की रेटिंग दी है और लिखा है कि समंथा के नेतृत्व वाली इस एक्शन फिल्म में आकर्षक विचार रोमांचक कहानी में तब्दील नहीं होते। द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने लिखा है कि लेकिन गलत कदमों के बावजूद ये आकर्षक बना हुआ है। लेकिन पिंक विला के अरविंद वी ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और लिखा है कि बॉलीवुड अभिनेता उन्नी कृष्णन इसके बाद तेलुगु सिनेमा में एक लोकप्रिय नाम बनाने की संभावना है। हिंदुस्तान टाइम्स के हरिचरण पुदीप रेड्डी ने लिखा है कि प्रोडक्शन डिजाइन एक विशेष योग्य के उल्लेख है, क्योंकि अधिकांश कहानी एक बड़ी सुविधा के अंदर सामने आती है और सेट वर्क सराहनीय है। इंडिया टुडे ने लिखा है कि यशोदा बहुत बेहतर हो सकती थी यदि निर्देशक जोड़ी ने स्पष्ट बातें न कहने पर ध्यान केंद्रित किया होता। तो न्यूज 18 की सृष्टि नेगी ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा है कि यशोदा को धैर्य और ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार जब आप भले पहले भाग को पार कर लेते हैं तो फिल्म आपका पूरा ध्यान खींचती है, जिससे ये आपके समय के लायक हो जाती है। इंडिया हेराल्ड के एक आलोचक ने लिखा है कि कुल मिलाकर फिल्म औसत दर्जे की है। समंथा अलग है क्योंकि उसने दोहरे चरित्र वाले किरदार को सहजता से निभाया है और उत्कृष्ट उत्पादन मूल्य, अन्य कास्टिंग भी उत्कृष्ट है। यशोदा फिल्म को डायरेक्ट किया है हरिशंकर ने। तो वो एक भारतीय निर्देशक और लेखक जोड़ी हैं जो मुख्य रूप से तमिल फिल्म उद्योग में काम करते हैं। हरी और हरीश तमिल में अपनी तरह की लगातार 3 पहली फिल्मों के फिल्म निर्माता के रूप में अग्रणी हैं, अर्थात आर ए राव 2010 और भारत की पहली इवेंट फिल्म अम्बुली 2012, पहली हिस्टोरियोग्राफिक पीड
3D तमिल फिल्म और अलाह 2014 पहली हॉरर एंथोलॉजी फिल्म है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है और इन्हें हर हरीश के नाम से जाना जाता है। इनका व्यवसाय निर्देशक और लेखक हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2010 से वर्तमान तक 2022 में हरीश ने समंथा रुद्र प्रभु अभिनीत यशोदा के साथ तेलुगु सिनेमा निर्देशन की शुरुआत की थी। तो यशोदा फिल्म में समंथा रुद्र प्रभु ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है। दर्शकों ने इनकी काफ़ी सराहनाएं भी की हैं। तो समंथा रुद्र प्रभु एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती हैं। वो कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं जिनमें 4 दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल हैं। इनका जन्म 28 अप्रैल 1987 को मद्रास तमिलनाडु भारत में इनका जन्म हुआ है। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, समंथा अक्किनेनी के तहत, और अल्मा मेटर है स्टेला मैरिज कॉलेज चेन्नई। पेशा अभिनेत्री हैं, इनका व्यवसाय है और इनके जीवन साथी हैं नागा चैतन्य। समंथा रुद्र प्रभु वाणिज्य में डिग्री हासिल करने के दौरान एक मॉडल के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद समंथा रुद्र प्रभु ने तेलुगु रोमांस फिल्म ये माया चेसावे 2010 में अभिनय की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू साउथ के लिए फिल्मफेयर अवार्ड जीता था। और वो 2012 की फिल्मों में निथाने एवं पुनवंथम और ईगा में अपने अभिनय के लिए क्रमशः एक ही वर्ष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी अभिनेत्री बन गई थी। और अगले कुछ वर्षों में उन्होंने दुकुडू 2011 और सिथम्मा वाटिकेले सिर में चले चेट्टू जैसी सर्वाधिक कमाई करने वाली एंड्रोसेट्रिक फिल्मों में एक मुख्य महिला की भूमिका निभाई है, जो 2012 में और अंतरिटी डेरेडी 2013 और कथथी 2014, थेरी 2016 और 24 2016 और मिर्सल 2017 और रंगस्थलम 2018 ए 2016 में उनके प्रदर्शन ने समंथा को 14 फिल्मफेयर पुरस्कार दिया और उन्हें महंती 2018 और सुपर डीलक्स 2019 और माजली 2019 और अमेजन प्राइम वीडियो थ्रिलर श्रृंखला द फैमिली में उनके प्रदर्शन के लिए और प्रशंसाएं मिली हैं। यार 2021 इनमें से आखिरी ने उन्हें फिल्मफेयर OTT पुरस्कार भी दिलाया है। अभिनय के अलावा समंथा रुद्र प्रभु ने 2020 में टॉक शो में सैम जैम की मेजबानी की और वो प्रत्युषा स्पोर्ट और शाकी वर्ड की संस्थापक है। उन्होंने 2017 से 2021 तक अभिनेता नागा चैतन्य से शादी की थी। तो आइए जानते हैं समंथा रुद्र प्रभु के जीवन परिचय के बारे में। तो समंथा रुद्र प्रभु जी का जन्म 28 अप्रैल 1987 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता जूसे प्रभु और माँ नीनेट प्रभु थी। उनका जन्म और पालन पोषण चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। दो बड़े भाइयों जोनाथन और डेविड के साथ परिवार की सबसे छोटी संतान के रूप में तमिल भाषा में परंपरागत होने के दौरान अपनी मिश्रित पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने खुद को तमिल बनाया और अपनी शिक्षा के लिए एक भाग के रूप में समंथा रुद्र की स्कूली शिक्षा होली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी और फिर स्टेला मैरिज कॉलेज चेन्नई में वाणिज्य की डिग्री पूरी की और अपनी स्नातक की डिग्री के अंत में वो मॉडलिंग में शामिल हो गई थी, विशेष रूप से नायडू हॉल के साथ काम करते हुए, जहाँ उन्होंने पहली बार फिल्म निर्माता रवि वर्मन ने देखा था। समंथा रुद्र प्रभु ने अपने पेशेवर फिल्मी करियर की शुरुआत गौतम वासुदेव मेनन की तेलुगु फिल्म ये माया चेसावे 2010 से की और तमिल में विनन थाड़ी वरुवैया 2010 के रूप में बनाई थी। ये फिल्म रिलीज से पहले अत्यधिक प्रख्यात थी और मुख्य रूप से गौतम मेनन और संगीतकार AR रहमान के साथ पहली बार सहयोग के कारण अभिनेत्री ने सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया था और अगस्त 2009 में इस परियोजना के लिए साइन कर अप किया गया था। फिल्म की शूटिंग भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी और यह 26 फरवरी 2010 को रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद उन्होंने खुलासा किया कि मेनन ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में ढलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें सिखाया गया है कि स्क्रीन के सामने स्वाभाविक और सहज कैसे रहना है, भले ही किसी दृश्य में उनके कोई सम्मान न हो। फिल्म में समंथा ने मुख्य किरदार जैसी की भूमिका निभाई, जो हैदराबाद में रहने वाली एक मलयाली सेंट थॉमस ईसाई लड़की हैं
जिसके साथ नागा चैतन्य द्वारा अभिनीत पुरुष नायक को प्यार हो जाता है और फिल्म के रिलीज होने पर समंता को उनके किरदार के लिए अत्यधिक सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं और साथ ही साथ फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली हैं। शिफी के आलोचक ने समंता रुद्र प्रभु की दृष्टि से चोरी करने वाली और उनकी सुंदरता की आकर्षक के रूप में प्रशंसा की है और कहा है कि वो एक ऐसी लड़की थी जिस पर ध्यान देना चाहिए, जिसे जीवी ने लिखा है और समंता की पहली फिल्म तेलुगु सिनेमा में सबसे अच्छी नायिका की शुरुआत में से एक है और फिल्म को क्लासिक करार देते हुए कहा गया है कि उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे भाव उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये माया ची शावी में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन दिलाया गया था और उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और दक्षिण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार भी मिला था। तो समंता रुद्र प्रभु फिल्म के लिए तमिल संस्करण में एक सहायक निर्देशक की भूमिका में एक कैमियो की भूमिका दिखाई थी जो एक अभिनेत्री बन जाती हैं और फिल्मों के लिए तेलुगु और तमिल दोनों संस्करण बड़ी सफलता से साबित हुए हैं, जिसमें समंता रुद्र प्रभु को स्टारडम मिला है। उन्होंने गौतम मेनन और एआर रहमान के साथ अपने सहयोग के बाद विश्व शास्त्रीय तमिल सम्मेलन 2010 के प्रचार गीत सेमोझियाना थमिज मोझियाम के संगीत वीडियो में अभिनय किया है, जैसे मेनन ने निर्देशित किया और रहमान ने संगीतबद्ध किया था। समंता की अगली रिलीज रोमांटिक ड्रामा बना कथड़ी 2010 थी, जिसमें अधरावा की सामने थी। ये फिल्म वास्तव में अभिनेत्री द्वारा हस्ताक्षरित तीसरी तमिल परियोजना थी, लेकिन इसकी रिलीज पहले दो परियोजनाओं से पहले हुई थी जिनके पूरा होने में देरी के कारण उन्हें अनुबंधित किया गया था। समंता रुद्र प्रभु ने नेशनल इंडस्ट्री ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के एक छात्र की भूमिका निभाई है, जो तमिल सिनेमा में इस तरह की पहली भूमिका थी। उनकी अगली रिलीज रवि वर्मन की माइक्रो वन कावेरी थी, जो 2010 मूल रूप से पहली फिल्म जिस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2007 में शुरू हुई और समंता के साथ फिर उन्हें कुछ समय के लिए स्क्रीन नाम यशोदा के साथ श्रेय दिया गया था, जो बाद में वर्ष में टीम में शामिल हुई और 2008 में आयोजित एक साक्षात्कार में रवि वर्मन ने उल्लेख किया है कि उनके एक व्यावसायिक असाइनमेंट को देखने के 3 मिनट के भीतर उन्होंने तय कर लिया था कि समंता उनकी फिल्म की मुख्य अभिनेत्री होंगी। उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री रेवती के साथ तुलना करते हुए उन्हें बुद्धिमत्ता और क्षमता वाली अभिनेत्री के रूप में वर्णित किया है। हालांकि अन्य परियोजनाओं में सिनेमेटोग्राफर के रूप में रवि वर्मन की पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म विकास के नरक में लटक गई, अंततः अगस्त 2010 में रिलीज हुई थी। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। हालांकि समंता के प्रदर्शन को फिल्म की एकमात्र मुख्य विशेषताओं में से एक के रूप में श्रेय दिया गया है, जिसे अगस्त 2008 में अपनी आखिरी 3 परियोजनाओं को पूरा करने के दौरान समंता ने नारायण स्टारर पुकाड़ा रवि में एक आधुनिक लड़की की मुख्य भूमिका निभाने के लिए भी साइन किया था, जिससे बाद में बंद कर दिया गया था। और समंता ने इसके बाद वामसी पेड़ापल्ली की तेलुगु फिल्म बृंदावनम 2010 में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने NTR जूनियर और काजल अग्रवाल के साथ सहायक भूमिका निभाई थी। कम स्क्रीन समय होने के बावजूद इंदु के रूप में उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया था और ये फिल्म तेलुगु में उनकी दूसरी फिल्म सफल बन गई थी। समंता रुद्र प्रभु ने महेश बाबू के साथ बड़े बजट की तेलुगु फिल्म डुकुडू 2012 में अभिनय किया है, जो अब तक की सबसे सफल तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने कहा है कि समंता रुद्र प्रभु सुंदर दिखती हैं और उन्हें बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि शांति के रूप में उनकी भूमिका बहुत लंबी नहीं है। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के दूसरा नामांकन मिला है और बाद में उन्होंने गौतम वासुदेव मेनन की 2 फिल्मों में अतिथि की भूमिका निभाई है। पहली बार मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म नदुनिसी नायगल में 2011 में एक मानसिक शरण कैदी के रूप में और फिर फिल्म के हिंदी संस्करण एक दीवाना था 2012 में विंथैंडी उनकी लोकप्रियता के कारण नदुसिनी नायगल को तेलुगु में इरा गुलाबिलु के नाम से डब और रिलीज किया गया था, जिसमें केवल अतिथि की भूमिका के बाद बावजूद समंता रुद्र प्रभु को फिल्म के पोस्टर पर प्रमुखता से दिखाया गया था। इस अवधि के दौरान समंता रुद्र प्रभु ने तमिल में 2 बड़े बजट की परियोजनाओं में मरणत्नम और की कदल 2013 और शंकर की आई
पर भी हस्ताक्षर किए थे 2015 में, लेकिन उन्होंने दोनों फिल्मों में से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा था क्योंकि वो एक त्वचा रोग पीड़ित थी और 2012 के मध्य में 2 महीने तक काम नहीं कर सकी। शमंता रुद्रप्रभु ने अगली बार SS राजामौली के लाइव एक्शन तेलुगु फिल्म द्विभाषी प्रोजेक्ट ईगा 2012 में नानी और सुदीप के साथ अभिनय किया था, जिसमें एक सूक्ष्म कलाकार की भूमिका निभाई गई जो एक NGO चलाती हैं और अपने प्रेमी की हत्या का बदला लेती हैं। चूंकि फिल्म में CGI द्वारा निर्मित घरेलू मक्खी को मुख्य किरदार के रूप में दिखाया गया था, समंथा ने कहा है कि उसे अपनी कल्पना का उपयोग करना होगा और उसके अनुसार कार्य करना होगा। उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि फिल्म की शूटिंग के लिए कई भारी रोशनी का इस्तेमाल किया गया था और बाद में उनकी त्वचा जल गई और उन्होंने इस प्रक्रिया को बहुत तनावपूर्ण लेकिन संतोषजनक बताया है। तमिल में नान ई 2012 शीर्षक वाली इस फिल्म को अत्यधिक सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं और शमंता रुद्रप्रभु ने अपने प्रदर्शन के लिए उच्च आलोचनात्मक प्रशंसाएं हासिल की है। द हिंदू के एक आलोचक ने कहा है कि समंथा उसे दी गई भूमिका में खिलती हैं, जबकि आइडबेन कॉम की जीवी ने लिखा है कि उसकी सफलता जारी रहेगी क्योंकि वो एक शोक संतप्त प्रेमिका की भूमिका निभाती हैं और पूर्णतया साथ निभा रही हैं। Shafi.com के फिल्म में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की है और उन्होंने कहा है कि प्यार, डर और चिंता की सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ फिल्म के लिए अच्छा काम करती हैं और वो खूबसूरत दिखती हैं और उन्होंने अपनी भूमिका पूरी सहजता से निभाई है। फिल्म 1.25 अरब रुपये से अधिक की कमाई कर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई है और कई विदेशी और भारतीय भाषाओं में डब किया गया है। इसके बाद समंथा रुद्रप्रभु ने गौतम वासुदेव मेनन की एक त्रिभाषी रोमांटिक ड्रामा फिल्म में काम किया है और फिल्म के तमिल, तेलुगु और हिंदी संस्करणों में निथ्या की प्रमुख महिला की भूमिका निभाई है, जिनमें 3 अलग अलग अभिनेताओं के साथ बाद में एक दृश्यों की शूटिंग की गई है। तमिल संस्करण निथाने एन पोनवंथम 2012 में उन्हें जीवा के साथ दिखाया गया था, जबकि ये तो वेली पियोनिधि मनशु 2012 में उन्हें नानी के साथ जोड़ा गया था। अत्यधिक राय कपूर के साथ 80-90 पूरी शो नामक एक ही हिंदी संस्करण को अन्य 2 फिल्मों के साथ एक साथ शूट किया गया था और 60% पूरा किया गया था। इससे पहले कि मेनन ने अपनी दूसरी हिंदी फिल्म एक दीवाना था की बात उद्यम को बंद कर दिया है और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। ये फिल्म एक जोड़ी के जीवन की 3 अवधियों पर केंद्रित है जो स्कूल, कॉलेज और उनके 20वें दशक के उत्तरार्ध में उन्हें रोमांटिक संबंधों पर केंद्रित है। शमंता रुद्रप्रभु ने खुलासा किया है कि वो जानती थी कि गौतम उसके साथ फिर से काम करना चाहेंगे। जब उन्हें फिल्म की पेशकश की गई थी तो तुरंत भूमिका निभाने का अवसर स्वीकार कर लिया और उसने महसूस किया कि वो चरित्र के गुणों और परिस्थितियों को खुद को जोड़ सकती हैं और उसने निथ्या के चरित्र को उसके करीब बताया ही। अपने प्रदर्शन को यथासंभव प्रामाणिक बनाने के लिए समंथा रुद्रप्रभु ने फिल्म के लिए तमिल संस्करण में खुद के लिए डब करने का विकल्प चुना है। फिल्म के तमिल और तेलुगु संस्करण दिसंबर 2012 में प्रदर्शित किए गए थे, जिस पर ध्रुवीकरण वाली प्रतिक्रियाएं आई और निथिन एक पुनर्वसंथम मिश्रित समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया था। हालांकि समंथा रुद्रप्रभु को अपने चित्रण के लिए अत्यधिक आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली। द हिंदू के आलोचक ने कहा है कि इस साल तमिल सिनेमा में किसी महिला प्रधान कलाकार द्वारा संभवतः सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ आई है। ये एक भड़कीली किशोरी से एक वयस्क में जो अपने अहंकार पर काबू पाने में स्पर्ध है और समंथा एक स्कूली बच्चे से एक वयस्क में परिवर्तन देखने लायक है। जबकि Redfi.com ने कहा है कि सुंदर, शालीन और प्यार में पड़ी एक लड़की की भावनाओं को व्यक्त करने का उत्कृष्ट काम करती हैं। विशेष रूप से इसकी स्कूल सीक्वेंस के दौरान समापन के समय वो फिल्म को अपने पतले कंधों पर ले जाती हैं। तेलुगु संस्करण ये तो विप्लनिधि मनशु को सकारात्मक समीक्षा मिली और व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि समंथा के प्रदर्शन को फिर से उच्च आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली हैं। द हिंदू ने लिखा है कि वो जैसी ये मैया चेसावे के अपने प्रसिद्ध चित्रण में कदम आगे की ओर रखती हैं और 60वीं फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में हैं। बाद में उन्होंने निथिन एन पुनर्वसंथम
और ईगा में अपने प्रदर्शन के लिए तमिल और तेलुगु फिल्म उद्योग दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है और 1993 में रेवती द्वारा दोनों पुरस्कार हासिल करने के बाद समंथा ये उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी अभिनेत्री बन गई हैं और 2012 में उनका सबसे शानदार पुरस्कार विजेता बन गई हैं और उन्होंने विजय अवार्ड, संतोषम फिल्म अवार्ड्स और सिनेमा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए और भी प्रशंसाएं प्राप्त की हैं। हालांकि समंथा रुथ प्रभु ने अक्सर अपनी शुरुआती फिल्मों में मजबूत चरित्र वाली भूमिका निभाती हैं, लेकिन 2012 के बाद वो बड़े बजट नायक उन्मुख फिल्मों में तेजी से दिखाई देने लगी हैं जिनमें अभिनेत्रियों के लिए तुलनात्मक रूप से कम गुंजाइश होती है और समंथा अगली बार वेंकटेश और महेश बाबू के साथ तेलुगु मल्टी स्टारर फिल्म सीथम्मा वट्टेलो सिरमल्ले और चेटू 2013 में दिखाई दी, जिसे सकारात्मक समीक्षाएँ मिली और व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। हालांकि उनकी भूमिका उनके सह कलाकारों की तुलना में छोटी थी। IBN लाइव ने कहा है कि यह देखकर अच्छा लगा कि समंथा ने अपना ग्लैमरस पक्ष छोड़ दिया और अपने प्रदर्शन उन्मुख भूमिकाओं का स्वागत किया जिसे वो केवल चतुराई और सहजता से संभालती हैं। हालांकि रोमांटिक कॉमेडी सिद्धार्थ के साथ जबरदस्त 2013 जिसमें उन्होंने एक वेडिंग प्लानर की भूमिका निभाई थी और व्यावसायिक रूप से असफल रही थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि समंथा एक दिन बेहतर होती जा रही हैं और उन्हें स्क्रीन की समंथा दिन पर दिन बेहतर होती जा रही हैं और उसे स्क्रीन पर देखना खुशी की बात है। इसके बाद समंथा रुथ प्रभु ने पवन कल्याण के साथ पारिवारिक ड्रामा अंटार्कटिका डेरिडी 2013 में अभिनय किया जो रिलीज होने पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई थी। redfish.com के एक आलोचक ने कहा है कि समंथा आत्मविश्वास दिखाती हैं भले ही उसके पास स्क्रीन पर सीमित समय है और करने के लिए कुछ भी खास नहीं। इसके बाद उनके प्रदर्शन ने उन्हें साइमा अवार्ड और संतोषम फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया है। वेंकटेश और इस फिल्म में संगीत दिया है मणि शर्मा ने और उत्पादन कंपनी है श्रीदेवी फिल्म्स के तहत इस फिल्म को वितरित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यह मूवी रिलीज हुई थी 11 नवंबर 2022 को देश भारत भाषा तेलुगु में। अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 30 से 40 करोड़ रुपए का। अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 32 से 50 करोड़ रुपए का। तो इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में समाप्त हुई थी। फिल्म का स्कोर मणि शर्मा द्वारा रचित है और जबकि सिनेमेटोग्राफी और संपादन क्रमशः एम सुकुमार और मतड के वेंकटेश द्वारा संभाला गया है। फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी और यशोदा को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस फिल्म की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो जोमेटो में काम करने वाली यशोदा सरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि उन्हें अपनी बहन की सर्जरी के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और उसे डॉक्टर मधुबाला के स्वामित्व वाले आधुनिक सरोगेसी केंद्र ईवा में ले जाया जाता है। यशोदा कुछ सरोगेट माताओं से दोस्ती करती है और उनके साथ समय बिताती है। उन सभी को पता चलेगा कि उनमें से प्रत्येक गरीब है और उन्हें पैसे की ज़रूरत है। इस बीच स्थानीय पुलिस बिजनेस टाइकून शिवा रेड्डी और उनकी प्रेमिका आरुषि की दुर्घटना की जांच करती हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि यह एक पूर्व योजनाबद्ध हत्या थी और पुलिस ने जांच का नेतृत्व करने के लिए वासुदेव IPS को नियुक्त किया था और उसे पता चला है कि आरुषि एक मॉडल थी और वो उसके ईमेल, मेल और टेक्स्ट संदेशों की जांच करती है और उसे पता चलता है कि आरुषि को उसके दोस्त ने एक विशिष्ट कॉस्मेटिक ब्रांड का प्रचार करने की सलाह दी। कारक रसायन होते हैं जो वैज्ञानिकों के लिए आहत होते हैं और वासुदेव की उनकी टीम आरुषि के दोस्त से मिलने जाती है, लेकिन पता चलता है कि दोनों एक दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। वासुदेव अपने घर से एक केमिस्टिक नमूना प्राप्त करती हैं और एक मृत हॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया की मौत के साथ एक संबंध पाती हैं जिसकी मौत नशीला जूस पीने से हुई थी। जब वो कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री गिरधर के पास पेटेंट है और अज्ञात लोगों के हमले के बाद वासुदेव को पता चला है कि 6 महीने में 122 मॉडल भारत आएंगे। उसे पता चला है कि एक मॉडल एलेना
पहले ही आ चुकी है। वासुदेव अपनी टीम और पुलिस आयुक्त बलराम के साथ जंगल तक उसका पीछा करती हैं, लेकिन स्थानीय आदिवासियों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। यशोदा को युवा पर संदेह हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी सहेलियां काजल और लीला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने और सर्जरी के बाद लापता हो गई थी, और उसे यह जानकर झटका लगा कि युवा शहर में नहीं लेकिन वास्तव में उन्हें लाइव प्रोजेक्टर का उपयोग करके सरोगेट माताओं को दिखाया गया था। तो बाद में यशोदा जोन टू में घुस जाती है और जहां वो शादी सरोगेट जेनी से लड़ती है जो उसके गर्भवती होने का नाटक कर रही है, और युवा की सदस्य है शंकाया। वो यशोदा को मारने की कोशिश करती है लेकिन यशोदा उसे मारने में सफल हो जाती है। इसके बाद यशोदा को संपत्ति के कमरे में मृत बच्चों और सरोगेट माताओं से भरे कई बक्से मिले, जिसमें उसे काजल और लीला के शव और लीला के बच्चे के शव भी प्राप्त हुए। तो फिर यशोदा को मधुबाला की मकान के तहत सुरक्षा गार्ड द्वारा पकड़ लिया जाता है। जब सुरक्षा गार्ड उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वो उससे लड़ती है और उसे मार भी देती है। फिर वो युवक के बारे में और अधिक जानने के लिए डॉक्टर गौतम के बैच का उपयोग करके मधुबाला के केबिन में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन मधुबाला द्वारा पकड़ ली जाती है। तो मधुबाला ने खुलासा किया कि वो एक बीमार से पीड़ित थी जिसके परिणाम स्वरूप उसकी सुंदरता खो गई थी और उम्र बढ़ने लगी थी, लेकिन गौतम ने एक दवा विकसित की और उस दवा को उसकी मदद की जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई। हालांकि यह दवा केवल एक स्थायी समाधान है जिसका प्रभाव केवल 6 महीने तक रहता है। गिरधर जो मधुबालक का पति है उसे अपने शोध के लिए धन देकर एक नई दवा का आविष्कार करने के लिए कहा जाता है। वर्तमान में मधुबाला और गौतम अपने निवेशकों के साथ एक बैठक करते हैं जबकि यशोदा को बैठक का लाइव फुटेज दिखाते हैं जिसे एक अलग कमरे में बंदी बनाकर रखा गया है। तो भूड में प्लाज्मा और गुप्त घटक हैं जिसका उपयोग दवा के आविष्कार के लिए किया जाता है, और वे गरीब महिलाओं को पैसे देकर सरोगेट माँ बनने के लिए नियुक्त करते हैं। उन्हें गर्भवती करने वाली नकली प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने और सी एक्सेक्शन करने के बाद भ्रूण को हटा देते हैं, महिला को चुपचाप मार देते हैं और प्लाज्मा पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आखिरकार उन्होंने दवा बनाई और इसे अमीर महिलाओं को बेच दिया जिनमें ज़्यादातर मॉडल CEO और अभिनेत्रियां थीं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि ओलिविया की मौत ड्रग इंटरनेशनल के कारण हुई थी। उन्होंने आयुषि और शिवा रेड्डी को दुर्घटना में मार डाला क्योंकि उन्हें पता चला है कि कैमिस्टिक ब्रांड में भी वही दवा है और उन्होंने इसे लीक करने की धमकी दी थी। जंगल में वासुदेव और उनकी टीम को पता चलता है कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिला हुआ है। वासुदेव और उनकी टीम को मारने के लिए एक मान में लाया जाता है युवा।